वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कमावत और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे किया जाए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक की। अब यदि आप जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं तो सिंपली आपको एक डेफिनेशन बोलना है और सिंपल डेफिनेशन है आपकी इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्कर्सिटी। अब मैं इस डेफिनेशन पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इकोनॉमिक्स को जो है टाइम बाय टाइम अलग अलग जो है लोगों ने डिफाइन किया है। अब समय के साथ इसमें चेंजेस आया है। अब समय के साथ चेंजेस क्यों आया है, क्योंकि ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एग्जैक्ट साइंस में जैसे कि आप मैथ्स की बात करें, मैथ्स में दो और दो हमेशा चार ही होंगे, लेकिन यहाँ जो इकोनॉमिक्स जो है ये इकोनॉमिक्स एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इट मीन्स ये कि जैसे हम बोलते हैं कि प्राइस बढ़ी है, तो प्राइस बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी डिमांड कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो एग्जैक्ट हो कि 10% बढ़ी है तो ये 10% ही कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अब कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें क्या है, समय के साथ लोगों के विचार बदलेंगे, समय के साथ चीज़ें बदलती जाएगी, तो समय के साथ अलग अलग डेफिनेशंस इसकी दी गई है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स तो जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें मेजरली हम जो है चार तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को जो है 1776 में डिफाइन किया है, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर किए जाते हैं, कौन, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है एज ए, इसको उन्होंने बोला कि इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ, है ना, ये वेल्थ का साइंस है। तो एडम स्मिथ ने इसको वेल्थ का साइंस के तौर पर इसको डिफाइन किया है। इन्होंने अपनी बुक में भी जो है इसको डिफाइन किया है किस तरीके से कि भाई ये जो इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम स्टडी करते हैं वेल्थ के बारे में, कि कैसे वेल्थ जनरेट की जाए, कैसे एक इकोनॉमी, कैसे एक कंट्री, कैसे लोग जो है वेल्थ जनरेट करते हैं, यानी कि अब वेल्थ जनरेट करते हैं, कमाई जनरेट करते हैं, वेल्थ समझते हैं आप लोग कभी। तो ये इन्होंने बोला, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर किया गया। उसके बाद में वही समय के साथ चीजें बदली, फिर ये दूसरा आया अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने बोला कि नहीं सिर्फ वेल्थ जनरेट करना नहीं है, क्योंकि वेल्थ जनरेट करते हैं पर उसमें यह भी देखना जरूरी है कि वेल्थ जनरेट तो हो रही है लेकिन लोगों को इससे लोगों का भला हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे आप देखिए, आज कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है, अब कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उससे किसी को सैलरी मिलती है, उसी से ही किसी को रेंट मिलता है, किसी को रॉयल्टी मिलती है, किसी को कमीशन मिलता है, किसी को प्रॉफिट मिलता है। तो एक चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो खाली वेल्थ जनरेट नहीं होती, वेल्थ के साथ साथ में लोगों को रोजगार भी मिलता है और लोगों का भला भी होता है। तो इकोनॉमिक्स इस बारे में है कि लोगों का कितना भला हो रहा है ना, यानी कि इकोनॉमिक्स इस बारे में स्टडी है कि भला कितना हो रहा है, वेलफेयर कितना हो रहा है, वेलफेयर कैसे किया जाए, इस बारे में इकोनॉमिक्स है। ऐसा इन्होंने बोला, इसने अल्फ्रेड मार्शल ने, तो नई डेफिनेशन बन गई अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन बन गई आपकी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। फिर लियोनार्ड रॉबिन्सन आए, तो लियोनार्ड रॉबिन्सन ने इन्होंने एक और नया विचार दिया कि नहीं आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है वेल्थ जनरेट होगी, उस वेल्थ जनरेट होने से जो है वेलफेयर होगा, ठीक है, लेकिन इसमें स्टडी क्या करना है, इसमें स्टडी तो ये करना है कि हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, किसका नहीं करें, किस ज़्यादा करें, कम करें, क्यों, क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं वो जो है स्केयर है, स्केयर इट मीन्स ये कि लिमिटेड है, भाई हम हर सब कुछ तो नहीं कर सकते। यदि हम आज एक काम कर रहे हैं दूसरा काम को छोड़ना पड़ता है हमें, जैसे क्यों, क्योंकि हमारा रिसोर्सेज जो लिमिटेड है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अकाउंट नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, या फिर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेस है, मान लीजिए हमारे पास हमारे देश में जो है 10,000 लोग हैं जो अवेलेबल है मेरे पास किसी काम को करने के लिए, और 10,000 लोगों को मतलब हमने हमारे पास मान लीजिए हमने फैक्ट्री स्टार्ट की हमने कपड़े की स्टार्ट की है। अब कपड़े की स्टार्ट की है तो हम उसी वक्त प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते ना। आई मीन टू से कि यदि उन 10,000 लोगों का आप उधर पहुँचा देंगे इधर काम नहीं होगा, या आधा दिन पहुँचाएंगे तो भी काम कम तो हो जाएगा ना। यानी कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा काम में कितने लोगों को पहुँचाए, कौन से काम में कितने लोग पहुँचाए, कितना रिसोर्सेज को कहाँ यूटिलाइज करें, और
क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। आपका मैं ऐसे ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे रॉ मटेरियल की बात हम कर लें, रॉ मटेरियल भी हमारे पास जो है लिमिटेड है, हम एक जगह यूज करेंगे दूसरी यूज नहीं कर पाएंगे, तो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो किस बारे में, वो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में हम बेहतर डिसीजन लें और बेहतर प्रोडक्शन वगैरह कर पाए, इस बारे में ऐसा लियोनल रॉबिन्स ने कहा। ठीक, उसके बाद में सैमुएलसन आए, इन्होंने बोला कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वेलफेयर हो रहा है, ठीक है, हम डिसीजन भी ले रहे हैं, पर ये सब किस चीज के लिए, ग्रोथ कर रहे किन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे किन बढ़ रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ा जाए, इस बारे में स्टडी है। ठीक, तो इन अलग अलग टाइम पर इसको डिफाइन किया गया इकोनॉमिस्ट को, और अल्टीमेटली एक निकल के कंक्लूजन आया। कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि इकोनॉमिक्स जो है आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब डिसीजन लेने लेते वक्त आपको क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेते वक्त आपको जो है चूज करना पड़ता है कि ये काम करूं और ये काम ना करूं, क्योंकि एक काम करने के लिए दूसरा काम छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस, हमें चूज करना पड़ता है ना, हमें चूज करना पड़ता है कि क्या करें और क्या ना करें। हम ये प्रोड्यूस करें तो ये नहीं कर पाएंगे, ये प्रोड्यूस करें तो ये नहीं कर पाएंगे, राइट करोगे। आप मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, जा बेटा बिजनेस कर, तो आपका सारा बिजनेस कर लेंगे क्या, कोई एक बिजनेस करेंगे तो दूसरा नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप एक कैफे डालना चाहते हैं, तो कैफे डालना चाहते हैं तो कैफे डाल दो आप, लेकिन कैफे डाल रहे तो उसी वक्त फिर आप चाह आप उसी मतलब फैक्ट्री में डाल पाएंगे। मान लीजिए आपके पास दो आइडिया है दिमाग में, दो चॉइसेस है कि या तो आप एक फैक्ट्री डाल लें मार्केट बनाने की, या फिर आप एक कैफे डाल दें, है ना, और आपके पास है 10 लाख रुपए, दोनों में मतलब 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आप एक ही काम कर पाएंगे, या तो आप फैक्ट्री डाल दो या फिर आप कैफे डाल दो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी। प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। पापा ने दिए कितने, 10 लाख रुपए दिए, अब 10 लाख रुपए में ही हमको बिजनेस करना खड़ा करना है, अब 10 लाख रुपए में खड़ा करना तो दोनों बिजनेस खड़े नहीं हो जाएंगे, एक करेंगे एक नहीं करेंगे, तो हमें चूज करना पड़ेगा। हमारे पास हो सकता है 4-5 आइडिया और भी हो, कैफे भी खोलने का आइडिया है, फैक्ट्री डालने का भी आइडिया है, आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह कुछ नया इंटरनेट बिजनेस करने का भी आइडिया है, अपने पास फर्नीचर बनाने का भी आइडिया है, 4 आइडिया है। अब 4 में से किसको चूज करें, किस में ज़्यादा बेनिफिट है, किस में कम नुकसान है, तो ये सब चीज ऐसे सिचुएशन में आपको जो सब्जेक्ट हेल्प करता है वो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है इसलिए आपको चॉइसेस करना पड़ती है। तो कैसे चॉइसेस आप करें, कैसे आप कोई ऑप्शन चूज करें, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स क्या है वो सुन आया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले हमें एक बात समझ लेना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स वर्ड यदि हम कहीं यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स वर्ड यदि हम कहीं यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्टडी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की इकोनॉमी की जो स्टडी की बात कर रहे हैं, तब हम इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक, कि ऐसा सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक चीज़ों की स्टडी करता हो, या ऐसा साइंस जो इकोनॉमिक चीज़ों की स्टडी करता हो। तो हम जब किसी चीज़ के सब्जेक्ट के लिए की नॉलेज की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स है, जैसे हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, जब हम वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम उस समय किसी एक जियोग्राफिकल टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, हम उस समय बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक जियोग्राफिकल टेरिटरी की हम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो हम जब बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, इट मीन्स हम किसी जियोग्राफिकल टेरिटरी की बात कर रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट एरिया की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ करेंगे। तो इकोनॉमी इट मीन्स एक
एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, एक बाउंड्रीज है, उस बाउंड्री में जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हो रही, जितनी भी प्रोडक्शन वाली एक्टिविटीज़ हो रही, उन सबको मिला जुला के वो पर्टिकुलर बाउंड्री की इकोनॉमी कहलाएगी। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक। तो इकोनॉमी वर्ड जो है वो ज्योग्राफी से कंसर्न है, ठीक। और इकोनॉमिक्स इट मीन्स हम सब्जेक्ट एरिया की बात कर रहे हैं। अब बात यह है कि एक और चीज़ हम समझ लेते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है तो वो पर्टिकुलर कंट्री में किस तरीके का वो सिस्टम अपना रहे, इकोनॉमी की कौन सी पॉलिसी अपना रहे, वो पॉलिसी के बेसिस पे तय होगा कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो ओपन इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी है, या फिर वो जो है क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो देखिए, यदि किसी देश में मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में हो, मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में हो, मैक्सिमम डिसीजन जो है गवर्नमेंट खुद लेती हो, है ना, तो ऐसे इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे, ऐसी इकोनॉमी को हम प्लान्ड इकोनॉमी बोलेंगे, ऐसी इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। क्यों सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या होगा कि समाज जो है क्या बनाता है, समाज गवर्नमेंट को बनाती है, हम वोट करते हैं तभी तो गवर्नमेंट बनती है ना, और गवर्नमेंट मैक्सिमम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर रही है। इट मीन्स वो उसमें जो इम्पोर्टेंस है वो किसका है, इम्पोर्टेंस समाज का है, इम्पोर्टेंस सोसाइटी का, इसलिए उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जा रहा है। लेकिन जहाँ पर मैक्सिमम कंट्रोल किसका हो, मैक्सिमम कंट्रोल हो, मैक्सिमम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम डिसीजंस या मैक्सिमम प्रोडक्शन किसके हाथ में हो, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हो। अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो उसको हम फ्री इकोनॉमी बोलेंगे, उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलेंगे। फ्री इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी किस लिए? भाई कोई भी आ सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके लिए, है ना, और वो अपना बिजनेस कर सकता है, इसलिए फ्री इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं भाई, जैसे जब बिजनेस मतलब जो है फ्री होगा, जब बिजनेस कोई भी कर सकता है, तो किसका दबदबा होगा? दबदबा उसका होगा जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होगी, ठीक। तो जो ज़्यादा कैपिटल वाला होगा, जो ज़्यादा पूंजीपति होगा, ज़्यादा जिसके पास कैपिटल होगी, मार्केट में दबदबा भाई उसका ही होगा, है ना। आज जैसे हम देखें कि भाई हमारे देश में इतने बड़े बड़े अंबानी, अडानी जो भी है, तो इन यदि वैसे हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम है, इसलिए पूरी तरीके से इनका दबदबा नहीं, पूरा दबदबा नहीं, लेकिन है तो सही ना। तो जब कैपिटल वालों का दबदबा हो, है ना, जब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पूरी इकोनॉमी में, ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हो, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अब हमारे देश में जो इकोनॉमी फॉलो होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के लिए ही है और कुछ सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है मिक्स्ड इकोनॉमी वाला सिस्टम है। खैर, तो अब हमने तीन चार बातें क्या कर ली कि इकोनॉमी किसको बोला जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसको बोला जाता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको बोला जाता है। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, देखिए जब आप बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमी का सिस्टम क्या होना चाहिए, है ना, जैसे हम बात करें अभी हम सोशलिस्ट वाला सिस्टम रखेंगे या कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम रखेंगे, जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब हम ये जो हमारी इकोनॉमी की पॉलिसी क्या होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी क्या होना चाहिए, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में जो स्टडी हम करेंगे वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन यदि हम किसी इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस हमें कैसे तय करना चाहिए, तो हम इट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम मेनली प्राइस की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्राइस कैसे तय की जाए, है ना, इंडिविजुअल कस्टमर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लायर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, विच मीन्स व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द इंडिविजुअल, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल की,
जब हम बात कर रहे हैं पूरी कंट्री की, जब हम बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी की, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, इट मीन कंज्यूमर क्या सोचेगा, सप्लायर क्या सोचेगा, इट मीन्स अल्टीमेटली हम लोग जो है एक मेन कंसर्न होता है हमारा और वो होता है प्राइस। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कि लोगों की इनकम जनरेट है कि नहीं, है ना, लोगों को इनकम जनरेट हो रही कि नहीं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा कि नहीं मिल रहा है ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही कि बढ़ रही, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही कि नहीं। तो उस वजह से मतलब हम बड़े बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं, लोग देश में रोजगार है कि नहीं है, देश में महंगाई तो नहीं हो गई है ना, महंगाई का उल्टा इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन तो नहीं हुआ है। तो इट मीन्स हम वहाँ पर क्या इसकी बात करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, बात करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात हम लोग करते हैं। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, मैंने सही नहीं लिखा मैंने, ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है और इसको जो है आपका प्राइस थ्योरी बोला जाता है। इसके अलावा यदि हम बातचीत करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है इंडिविजुअल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जैसे हम टूल्स की बात कर रहे हैं, तो इसके जो टूल्स है वो क्या है, वो जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड हो गई, इंडिविजुअल डिमांड हो गई, इंडिविजुअल सप्लाई हो गई, है ना। वही यहाँ पर बात किसकी आ जाएगी, भैया हम बात करेंगे किसी एक चीज़ को खरीदने की बात करेंगे, एक कंज्यूमर किसी चीज़ को किसी प्राइस पर कितना खरीद रहा है वो बात करेंगे, एक सप्लायर किसी प्राइस पर किसी चीज़ को कितना सेल करना चाहता है वो बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे टोटल पूरे देश के लोग मिलाकर कितना चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं या कितना खर्च कर रहे हैं, टोटल पूरे देश के सप्लायर मिलकर के सारी इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री मिलकर के कितना प्रोडक्शन कर रही है या कितना सप्लाई कर रही है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं एग्रीगेट की, एग्रीगेट डिमांड और हम एग्रीगेट इसी टाइप से एग्रीगेट सप्लाई इसकी बात करते हैं, तो हमारे टूल्स जो है वो बदल जाते हैं। सो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर एंड स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्टर, जब ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, टैक्स की बात कर रहे हैं टैक्स का रेट कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, बैंक का इंटरेस्ट कम लगना चाहिए ज़्यादा चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आई होप कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, अब PPF भी बोलते हैं PPC भी बोलते हैं, दोनों ही बात सही है, ठीक है, एक दो नाम और भी है इसके, लेकिन हाँ PPF प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, अब ये है क्या और आप पढ़ क्यों रहे हैं, पहले समझ लेते हैं है क्या और फिर मैं आपको बताऊंगा ये PPF पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले देखते हैं PPF क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर आप इसको बोले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन रिसोर्सेस। आपके पास देखिए रिसोर्सेज जो है, हम ऐसा मान रहे हैं इसमें एक कि रिसोर्स सेट जो है वो लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से अब हम मान लीजिए सिर्फ हम कोई दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा अज्यूम किया है कि सिर्फ दो ही गुड्स मान लीजिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यदि हम एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मान लेते हैं अपन के जैसे अब ये दो पेन है ना, ये कुछ अलग वेराइटी की कोई दूसरा कोई प्रोडक्ट है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है, दोनों प्लास्टिक से बनते हैं, अब ये एक्स है इसका नाम वाई है, अब मान लीजिए आप X का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो Y का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, तो और यदि इसका कम करेंगे तो इसका बढ़ जाएगा, तो क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो है जैसे जैसे प्लास्टिक से बन रहे हैं तो प्लास्टिक जो है वो क्या है लिमिटेड है, तो हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेहतर रहेगा।
तो जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा समझने लायक हैं, पर पहले आप बेसिक मॉडल समझ लीजिए, फिर हम इसमें बात एडवांस बातें भी हम लोग करेंगे। पहले मान लेते हैं हम कि दो कोई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है एक्स, दूसरा प्रोडक्ट है वाई। आप कुछ भी प्रोडक्ट के नाम रख सकते हो, चाहो तो आप मान लीजिए इसको आपने रख दिया व्हीट और इसको नाम दे दिया आपने राइस, है ना। या आप कोई प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बना रहे थे तो आपको प्लास्टिक का प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो नाम दे सकते हैं। तो जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको आप नाम दे सकते हैं। तो आप ये व्हीट है ये राइस है मान लेते हैं, मैं इसको सिंपली एक्स और वाई नाम दे दिया मैंने। अब एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है कि भाई इसको हम यदि 10 यूनिट बना रहे हैं तो ये हम बना ही नहीं पा रहे हैं, जीरो। फिर हम दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि भाई हमने इसका प्रोडक्शन बढ़ाया, अब इसका जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया हमारा बी कि 9 ये प्रोड्यूस करेंगे तो 1 ये प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर और इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसका प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। फिर इसका प्रोडक्शन और बढ़ाना है तो इसका प्रोडक्शन जो है हमें और कम करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4। फिर तो ये हो गया आपका डी बी वाला कॉम्बिनेशन हो गया। फिर एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है कि क्या हम इसको और ज़्यादा प्रोड्यूस करें, तो इसका प्रोडक्शन हो सकता है कि हम नहीं कर पाए, जीरो ही कर पाए। अब यहाँ आपको एक चीज़ आपको खल रही होगी, क्या सर ये हमने 1 1 1 1 बढ़ा रहे हैं आप, है ना, यहाँ पर 1 बढ़ाया फिर 1 बढ़ाया फिर 1 बढ़ाया फिर 1 बढ़ाया, मतलब जो है यहाँ पर आप जब 1 1 1 और 1 बढ़ा रहे हो तो फिर ये यहाँ पर ये सोतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो आप। पहले यहाँ पर 1 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 3 कम किया, फिर 4 कम किया, ऐसा क्यों? तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, जब आप किसी टाइप के दो प्रोडक्शन का आप एक अनुमान लगाइए कि आप इसका प्रोडक्शन कर ही नहीं रहते, पहले आप इसका प्रोडक्शन जीरो कर रहे थे, कर ही नहीं रहते, और इसका प्रोडक्शन आप फुल लेवल पर आप कर रहे थे। अब जब इसका प्रोडक्शन आपने स्टार्ट किया तो पहले इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा ही कम हुआ, फिर और जब बढ़ाया तो फिर इसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा रेट से कम हुआ, फिर और ज़्यादा रेट से कम हुआ। तो ये ज़्यादा रेट ज़्यादा क्यों हुए, ये देखिए आप सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए आपके पास 10 लोग हैं, अब 10 लोग हैं, 10 लेबर हैं आपके पास, 10 के 10 लेबर एक जैसा काम करती होगी क्या? बिल्कुल नहीं, 10 के 10 लेबर एक जैसा काम नहीं करती होगी। 10 में से कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते होंगे, फिर कुछ उनसे कम काम करते होंगे। इट मीन्स आप सिर्फ लेबर ही की बात नहीं कर रहा, और भी रिसोर्सेस होते हैं, है ना। तो बाकी सारे रिसोर्सेज की यदि हम बात करें तो उसमें से मैं फिलहाल ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लेता हूँ। इसमें तो जो लेबर है आपके पास, जो 10 लोग हैं, 10 में से कुछ बहुत अच्छा काम करते होंगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम, और फिर थोड़ा और कम। अब मुझे एक बात बताइए कि ऐसा भी नहीं है कि जो एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये दो प्रोडक्ट है, ये वाले प्रोडक्ट का अच्छा से काम जिसको आता है, ऑब्वियस सी बात है उसको दूसरे काम है वो काम अच्छे से नहीं आता हो, तो जो ये काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसको यदि आप दूसरे कब जगह पहुँचाएंगे तो वो वाला काम अच्छे से कर पाए, ये एक संभावना है। पर लेकिन आपके पास 10 लोग थे, 10 लोगों के लिए काम कर रहे थे, ये वाला प्रोडक्शन कर रहे थे, अब 10 में से पहले आप किसको पहुँचाएंगे, जिसको ये काम अच्छा आता है उसको पहुँचाएंगे, या जिसको ये काम अच्छे से नहीं आता है, या जो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है उसको पहुँचाओगे। भाई आपको इसको इधर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करना है तो आप पहले किसको पहुँचाओगे, पहले आप उसको पहुँचाओगे जो यहाँ पर अच्छे ज़्यादा फिट नहीं है, तो पहले आपने उसको उधर पहुँचा दिया तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। फिर आपके पास सेकेंड टाइम में क्या हो रहा है, आपके पास अब बचा कौन, आपके पास जो ज़्यादा स्किलफुल है, मतलब इसके कंपेरिजन में ज़्यादा स्किलफुल है, उसको आप उधर पहुँचा दोगे तो आपका नुकसान क्या होगा, ज़्यादा नुकसान लग जाएगा।
फिर और जो ज़्यादा स्किलफुल है उसको बचाओगे तो नुकसान इधर ज़्यादा होगा, फिर और जो स्किलफुल है उसको उधर बचा दोगे तो इधर आपका ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि आप जब किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन जो कम होगा और बढ़ने कम होने की जो रेट है वो ज़्यादा रहेगी, और इसी रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है पढ़ेंगे, लेकिन इस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को MRT भी बोल सकते हैं आप, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक, तो जैसे हमने एक को गेन करने के लिए हमें यहाँ एक सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यहाँ एक को गेन करने के लिए हमें दो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यहाँ एक को गेन करने के लिए हमें तीन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो रेट हुआ वो 1:1 का हुआ, यहाँ पर 2:1 का हो गया, यहाँ पर 3:1 का हो गया, यहाँ पर 4:1 का रेट हो गया। ठीक, तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती जा रही है, वन बढ़ती जा रही है, पहले 1, 2, 3 फिर 4 हो गई। ठीक, थोड़ा सा और मैं व्यवस्थित लिख देता हूँ, यहाँ पर हो गया 1:1, यहाँ पर हो गया 2:1, यहाँ पर हो गया 3:1 और यहाँ पर हो गया 4:1। ठीक है, ओके, ये जो शेड्यूल है इसको बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, है ना। अब इसी को यदि हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये पॉसिबिलिटीज है 1, 2, 3, 4, 5, इसको यदि हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ये एक्स वाली साइड में आ जाएगा और ये वाई वाली साइड में। तो आप वाई वाली साइड में भी आपने ये लिख दिया, ये मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि 1, 2, 1, 1 तो नहीं, कोई भी एक कॉमन डिफरेंस आप ले लीजिए। कॉमन डिफरेंस हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हम कि हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10 और इधर भी 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से हमने जो है डिफरेंस लिया। अब आप जब ये 10 है तब ये 0 है, जब ये 10 है तब ये 0 है, तो ये जब ये 10 है तब 0, तो ये तो यही यहाँ पर वाला पॉइंट बन गया। फिर जब ये 9 है तब ये 1 है, तो 9 यानी कि यहाँ, और जब 9 है तब ये 1 है, 1 है यानी कि ये यहाँ पर होगा। फिर जब ये 7 है तब ये 2 है, तो 7 इट मीन्स यहाँ पर और ये 2 है, तो ये यहाँ पर बन गया। फिर जब ये 4 है तब ये 3 है, तो ये 4 है तब ये 3 है, 3 मतलब यहाँ पर होगा, 3 मतलब यहाँ पर हो गया। फिर जब ये 0 है तब ये 4 है, तो ये 0 है तब ये 4 है, तो इट मीन्स इस टाइप का कुछ एक कर्व बनेगा। ठीक, अब इस पर यदि आप देखें तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना, और ये आपका ई वाला पॉइंट हो गया। ठीक, तो आपने जो है इस टाइप से कर्व बनाया, इसको यदि आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप दो और अच्छे से बनाना चाहें तो और बना सकते हैं, कुछ इस टाइप का ही कर्व बनेगा, किस टाइप का, जो कि कॉनकेव टू ओरिजिन होगा। ठीक, इस टाइप का कर्व बनेगा, और ये जो कर्व है इस कर्व का नाम ही क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है और ई पॉइंट है, इस टाइप से आपने सारे पॉइंट के नाम दे दिए। ठीक है, अब ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कोई पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशंस क्यों बने, क्योंकि हम दोनों चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से, क्या होगा, जो है हमें एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी चीज़ को जो है खोना पड़ता है, एक चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ को हमें घटाना पड़ रहा है। ठीक, तो कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन वाला एक जो है कर्व बनेगा। अब मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाह रहा हूँ पर, लेकिन ये हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, इस टाइप से बनेगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसका मीनिंग है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग टू गुड्स फ्रॉम अ गिवन और फ्रॉम द लिमिट। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाए, वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, दो मिनट के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद वापस इस टॉपिक पर हम जरूर आएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट मीन्स वॉट, इट मीन्स द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इट मीन्स कि आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए, दूसरी चीज़ को खोना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 30,000 रुपये की नौकरी पर काम कर रहे हैं,
30,000 रुपये की आपकी तनख्वाह है, अब आपको एक ऑप्शन मिल रहा है और वो ऑप्शन है, दो ऑप्शन मिल रहे हैं मान लीजिए आपको, वो एक ऑप्शन मिल रहा है 40,000 रुपये का और एक ऑप्शन मिल रहा है आपको 50,000 रुपये का। ऑब्वियस सी बात है कि आप 50,000 रुपये वाली जॉब जो है ज्वाइन करेंगे, तो 50,000 रुपये की जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, 40,000 रुपये के ऑफर को जो है ठुकराना पड़ा या आप उसको, आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो ऑलवेज हम कुछ गेन करते हैं तो हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो जब भी हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में भी ऐसा होगा कि हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अदर कॉस्ट तो आएगी आएगी, लेकिन एक कॉस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व रहेगी जो कि जिसको हम कहीं कैलकुलेट नहीं करते लेकिन ये होती ज़रूर है। यदि हम एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बड़े तौर पर देखें तो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है, खोना पड़ता है। तो ऑलवेज देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को खोना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, इसका यहाँ पर क्या क्या यूज़ है। देखिए आगे जब जैसे जैसे ये जो PPC आप पढ़ेंगे तो ये जो ये वाली जो बात है, ये वाली बात बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, और वो कैसे होगी वो तो आप ही जाने। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि PPC क्या है। PPC हम लोग पहले बात कर चुके हैं वही कि जो है हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए हम वाई की एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें जो है एक्स का जो है एक का नुकसान हो जाएगा, फिर हम इसके दो यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिर वापस यहाँ पर हमें नुकसान हो जाएगा, फिर हम यदि इसका और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें जो है यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, हम इसका और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें और नुकसान हो जाएगा। इट मीन्स ये कि हमें इसको कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ रहा है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमें एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ को खोना पड़ रहा है। यदि इनका रेशियो यदि अपन देखें तो देखिए हमें सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है, यहाँ पर सेक्रीफाइस हमको करना पड़ रहा है वन, सेक्रीफाइस करना वन के लिए, तो डायरेक्ट चाहें तो सीधे वन लिख दें हम, है ना, वन को वन से डिवाइड करके आएगा वन ही आएगा। फिर आप देखेंगे कि फिर वापस से एक को गेन करने के लिए हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, दो को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो टू को वन से डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा, टू आएगा। फिर एक और गेन करने के लिए देखिए यहाँ पर वन वन गेन कर रहे हैं और यहाँ पर टू टू, पहले वन सेक्रीफाइस किया फिर टू फिर थ्री फिर फोर, तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये थ्री आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT, कि आपको जो है कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए एक्स को प्रोड्यूस करने, वाई को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और वो सेक्रीफाइस करने की जो रेट है ना वो रेट बढ़ते हुए जा रही है। अब ऐसी कंडीशन में जो आपने PPC बनाया तो वो PPC कैसा बना, आपने इसको आपने आप एक्स और वाई को आप प्लॉट कर लेना तो ये इस टाइप का कर्व बनेगा, कैसा कर्व बनेगा, इस टाइप का कॉनकेव। तो PPC इज कॉनकेव टू ओरिजिन, देखिए स्टैंडर्ड जो PPC का फॉर्म है वो यही है, होता यही है, होना भी यही चाहिए यूजुअली। तो वाई PPC इज कॉनकेव का आंसर ये हुआ, PPC इज कॉनकेव, कॉनकेव मतलब ये ऐसा इस टाइप वाला जो कॉनकेव आप समझते हैं ना, ऐसे चश्मों में होता है, तो कॉनकेव टू ओरिजिन, ओरिजिन से कॉनकेव है, ये ऐसा शेप है। ऐसा शेप कब हो रहा है, जब MRT क्या है, व्हेन MRT इज इंक्रीजिंग, व्हेन MRT इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग। तो आपका क्वेश्चन रहा कि वाई पी पी सी इज कॉनकेव टू ओरिजिन, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या है, इंक्रीजिंग रेट में है ना, सेक्रीफाइस जो है वो हमें बढ़ते हुए रेट से सेक्रीफाइस यदि होगा तो PPC जो है कॉनकेव होगा, और वैसे भी स्टैंडर्ड PPC जो होता है वो इसी नेचर का होता है। अब सेकंड पॉइंट जो है वो ये हो सकता है कि वाई PPC इज स्ट्रेट लाइन। अब PPC देखो स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, PPC स्ट्रेट लाइन तब हो सकता है जब 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 क्या हो, मैं इसको चेंज करता हूं, जब क्या हो, जब आप देखें कि जब आप प्रोडक्शन मान लीजिए ये 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, अब आपने इसको जैसे ही दो यूनिट कम की यहाँ पर दो यूनिट बढ़ गई, फिर यहाँ दो यूनिट आपने कम की यहाँ पर दो यूनिट और बढ़ गई, फिर दो यूनिट और कम की 6 से आप गए 4 पर तो यहाँ पर ये 2 पर आ गई
सॉरी 6 पे आ गया, फिर 2 यूनिट कम की तो फिर ये जो है 2 यूनिट और बढ़ गई, ये 8 पर आ गया। फिर ए बी सी डी ई, चाहे तो एफ भी कर लेते हैं, ये 0 हुआ तो ये 10 हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको एक अलग चीज़ देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर अलग चीज़ देखने को क्या मिल रही होगी, यहाँ देखने को ये चीज़ मिल रही है कि दो को पाने के लिए दो को सेक्रीफाइस करना पड़ा, दो को पाने के लिए दो को सेक्रीफाइस करना पड़ा, दो को पाने के लिए दो को सेक्रीफाइस, दो को पाने के लिए दो को सेक्रीफाइस, दो को पाने के लिए दो को सेक्रीफाइस। यानी कि जो सेक्रीफाइस और गेन का जो रेशियो है वो कैसा है, वो जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, दोनों जो है मतलब जितना गेन कर रहे हैं उतना ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एमआरटी जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, एमआरटी क्या है, एमआरटी कांस्टेंट है। यानी कि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, सॉरी 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 1, राइट है, या आप 2 2 भी लिखे तो बात है कि ये तो कांस्टेंट तो है ना। तो एमआरटी क्या है, कांस्टेंट है, 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 आ रहा है तो 2 जा रहा है, 2 आ रहा है 2 जा रहा है। तो जब एमआरटी कांस्टेंट होगा तब आप यदि इसको प्लॉट करेंगे, इनको यदि आप प्लॉट करेंगे तो कर्व कैसा बनेगा, कर्व जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। बनाकर देख लेना आप, बराबर एग्जैक्ट इधर बराबर 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 रखेंगे आप तो एक ऐसा कर्व बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। तो पीपीसी क्या हो गया, ये हो गया पीपीसी स्ट्रेट लाइन। तो वाई पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन का आंसर हुआ आपका क्या, पीपीसी स्ट्रेट लाइन बिकॉज एमआरटी इज कॉन्स्टेंट। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेन एमआरटी इज कॉन्स्टेंट पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन, वेन एमआरटी इज कॉन्स्टेंट पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम दो टाइप तो पढ़ चुके हैं, पहला टाइप तो हो गया कि वेन पीपीसी इज कॉनकेव, और दूसरा टाइप हम पढ़ चुके हैं कि वेन पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं वेन पीपीसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब पीपीसी का जो शेप है वो कॉन्वेक्स हो, तो ऐसा कब हो सकता है। देखिए जब एमआरटी इंक्रीजिंग है तब तो कॉनकेव, तो जब एमआरटी डिक्रीजिंग हो तब क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स, और जब एमआरटी कॉन्स्टेंट हो तब क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जब एमआरटी डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो उससे होगा मतलब जैसे कि मान लीजिए हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और ये 0 थी, अब जैसे ही हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो पहले हमें ज़्यादा नुकसान हुआ, पहले हमें ज़्यादा नुकसान हुआ, मतलब कि मान लीजिए हमने सेक्रीफाइस किया, 4 का सेक्रीफाइस किया तो कितना आ गया, 6। फिर हमने 1 यूनिट और प्रोड्यूस की, 1 यूनिट और हमने प्रोड्यूस की तो क्या हुआ, 1 यूनिट और प्रोड्यूस करने से हमें जो है सेक्रीफाइस और ज़्यादा करना पड़ेगा, पहले हमने 4 का सेक्रीफाइस किया है, अब हमें सेक्रीफाइस कम करना है, 3 सेक्रीफाइस ही करें तो इट मीन्स 3 प्रोड्यूस कर पाएंगे, अब सेक्रीफाइस का रेट और कम हो जाएगा, यानी 2 ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 3 से गया 2 गया तो बचा 1, ठीक। फिर और कम यानी कि 1 गया तो बचा कितना, 0, और यहाँ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, ठीक। आई होप कि आपको शायद समझ में आया हूँ। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यदि आप देखेंगे तो पहले वाले को तो हम छोड़ें, देखिए आप इसको 1 को पाने के लिए 4 को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 1 को पाने के लिए 4 को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो देखिए आप 4 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो सीधे मैं लिख देता हूँ 4, ठीक। फिर 3 को डिवाइड करेंगे आप और यहाँ गेन कितना कर रहे हैं, 1 ही गेन कर रहे हैं, यहाँ पर भी 1 ही गेन कर रहे हैं, हम ये जो डिफरेंस है ना इससे मतलब है हमें, ठीक है। तो 1 गेन कर रहे हैं 3 को सेक्रीफाइस करके, तो यहाँ आ जाए 3, फिर आ गया 2, फिर आ गया 1, फिर आ गया 0, ठीक। तो जो एमआरटी है वो क्या होते जा रही है, ये होते जा रही हैं डिक्रीज होते जा रही, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो में क्या है, रेशियो में है चेंज इन सेक्रीफाइस और चेंज इन गेन, तो चेंजेस कितना आ रहा खाली इसको लेना है आपको। तो एमआरटी इसमें डिक्रीजिंग हो रही है, तो डिक्रीजिंग एमआरटी हो रही है, और अब आप इसको एक्स और वाई को यदि आप यहाँ प्लॉट करेंगे, तो एक्स और वाई को प्लॉट करेंगे तो आप प्लॉट करके देख लेना आप कि इस टाइप का कर्व का शेप बनेगा, किस टाइप का शेप बनेगा, इस टाइप का, पीपीसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इस टाइप का शेप बनेगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो पीपीसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन व्हेन एमआरटी इज डिक्रीजिंग, ठीक। तो आई होप कि आपको तीनों टाइप के जो पीपीसी हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, कॉनकेव कब होगा, जब एमआरटी इंक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन जब एमआरटी कॉन्स्टेंट हो, कॉन्वेक्स जब एमआरटी
डिक्रीजिंग हो। अब इससे आपको एक तो ये समझ में आया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, या फिर एक चीज़ को पाने के दूसरी चीज़ को खोना पड़ता है। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जब कोई भी दो चीज़, कोई भी दो वेरिएबल जो है, जब उनके जो रेट है वो इंक्रीजिंग रेट हो, मतलब एक को पाने दूसरे को ज़्यादा खोना पड़ रहा है, तो ऐसा कर्व बनना चाहिए। जब कांस्टेंट रेट हो तो ऐसा कर्व बनना चाहिए, और जब डिक्रीजिंग रेट हो तब ऐसा कर्व बनना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूँ सुनील कुमावत और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से लॉ ऑफ DMU। तो क्या है लॉ ऑफ DMU, कैसे शेड्यूल बनाएं, कैसे डायग्राम बनाएं और क्या चीज़ है ये, तो समझते हैं और शुरुआत करते हैं। तो आप देखें कि लॉ ऑफ DMU क्या है। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, सीधे हम लॉ ऑफ DMU पर ही जंप कर रहे हैं। आगे दो चार चीज़ें और भी बची है तो हमें पढ़ना रहेगी, लेकिन हम बात करते हैं लॉ ऑफ DMU। DMU का फुल फॉर्म है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब घटती हुई मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, ये दो वर्ड आपको सुनने को आ रहे होंगे, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी मीन्स व्हाट। देखिए, यूटिलिटी, अब आप कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो किस चीज़ के लिए परचेस कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं क्योंकि आप उसको खरीदना चाहते हैं, आपकी वांट्स जो है, आपकी वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सके। तो जो किसी भी चीज़ की वांट सेटिस्फाइंग पावर है, उस वांट सेटिस्फाइंग पावर को ही हम क्या बोलते हैं, उस वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं हम? यूटिलिटी। और इसको हम जो है काउंट भी कर सकते हैं, तो इसको हम काउंट करते हैं यूटिल्स में, है ना। जैसे कि किसी चीज़ की वजन का जो है हम किलो में काउंट करते हैं, है ना। कोई जो है वाटर वगैरह है तो, या मिल्क है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो है लीटर में काउंट करेंगे। इसी तरीके से यूटिलिटी को भी काउंट किया जा सकता है, और यूटिलिटी को एक्सप्रेस करना हो नंबर में तो हम यूटिल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो यूटिलिटी से आपको समझ में आया, यूटिलिटी मीन्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अब मार्जिनल वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं? मार्जिनल वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जैसे कि हमें कोई एक चीज़, हम मान लीजिए हम परचेस की हमने, तो उससे हमें मान लीजिए यूटिलिटी जो मिली, टोटल यूटिलिटी मिली मान लीजिए 10 मिली, और दो हमने परचेस की, तो दो से टोटल यूटिलिटी जो हमको मिली वो मान लेते हैं कि हमको मिली 18। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 8। तो ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 रिप्रेजेंट कर रहा है जो नेक्स्ट, जैसे पहले एक पर तो आपको 10 हो गया, और दूसरे पर कितना हुआ? दूसरे पर हुआ 8 का। तो मार्जिन का मतलब है दो टोटल के बीच का डिफरेंस, या फिर जो नेक्स्ट यूनिट है उससे कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, या उससे कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक। तो ये पर यूनिट का यदि कैलकुलेशन देखें तो वहाँ पर हम मार्जिन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि पर यूनिट आप जो है कंजम्पशन बढ़ने से यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि ये पहले ये लॉ ऐसा बोल रहा है कि देर इज अ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इट मीन्स जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है, वो कम होती है। यही मुद्दे की बात है कि डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग होती है, वो कम होती है। यही लॉ है। द लॉ ऑफ DMU सेज, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट देर इज एस बी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, देर इज अ डिक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी। हम जैसे जैसे किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। हमें उस चीज़ को खाने की, या हम बोले कि उस चीज़ को कंज्यूम करने की जो इच्छा है ना, वो इच्छा कम होती जाएगी। ऐसा ये लॉ बोल रहा है, और ऐसा इन जनरल ऐसा होता भी। देखिए, आप कोई चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको मैंने गुलाब जामुन दिए, है ना, गुलाब जामुन आप खा रहे हैं, तो गुलाब जामुन आपके सामने आए तो पहला गुलाब जामुन की तो बड़ी इच्छा होगी, खा लूँ, है कि नहीं। तो आपकी उसको कंज्यूम करने की इच्छा ज़्यादा है, पर दूसरे पे थोड़ी सी इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तीसरे पे और थोड़ी आपकी इच्छा कम हो जाएगी, अभी भी इच्छा जरूर है कि खा लें, तो और खाने से मज़े भी बढ़ेंगे आपके, ओवर टोटल यूटिलिटी जो है आपकी वो बढ़ रही है।
पर लेकिन जो पहले वाले की बात थी उसकी बात अलग ही थी, जो पहला वाला जो खाया दूसरा वाला खाया तो पहले वाले के कंपेयर में इच्छा कम है, तीसरा वाला गुलाब जामुन आप खाएं तो दूसरे वाले से इच्छा आपकी कम है, चौथे वाले पे इच्छा और कम हो जाएगी। अब चार गुलाब जामुन खाने के बाद में पांचवा आपके सामने रखा जाए तो हो सकता है आप खा ले, लेकिन इच्छा आपकी कम होगी, अरे नहीं नहीं बस बहुत हो गया, चार हो गया यार, मीठा मीठा ज़्यादा हो गया है ना। फिर छठा और ऑफर किया जाए आपको तो अरे नहीं 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 बस 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 बस। सातवां और ऑफर किया जाए आपको अरे नहीं नहीं बस अब तो मैं खाऊंगा जी। फिर भी आठवां गुलाब जामुन आपकी थाली में कोई जबरदस्ती रख जाए नहीं नहीं आपको खाना पड़ेगा जाजी, आपको खाना पड़ेगा, तो आपको खाना पड़ेगा अब ऐसा उसने बोला, तब क्या होगा, तब जो है आपकी इच्छा जो है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, अब तो खाना ही नहीं। फिर अगर कोई आगे रख दिया तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, उठा जा भैया नहीं नहीं खाना मुझे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाना है, चल लेके जा। मतलब आप उस आपके लिए उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, बिल्कुल माइनस हो गई, राइट है। तो ऐसी यही बात हमने समझना है, यही बात हमें समझना है कि डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा है कि वो पहला गुलाब जामुन खाने की इच्छा तो ज़्यादा रहती है, दूसरे की इच्छा कम, तीसरे की इच्छा और कम, चौथे की और कम, पांचवे की और कम, और छठे की और कम, सातवें की और कम, आठवें की और कम, और दसवें की तो बिल्कुल जीरो, और ग्यारहवें की तो बिल्कुल माइनस में चल जाएगी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम 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 होते हुए जीरो नेगेटिव तक भी हो जाती है यदि कॉन्स्टेंटली। अब उसके अपने कुछ अंजप्शन हैं कि कॉन्स्टेंटली वही चीज़ होना चाहिए। हम गुलाब जामुन की ही बात कर रहे हैं, गुलाब जामुन खाते वक्त यदि बीच में आपको नमकीन दे दे तो उसकी इच्छा रहेगी, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक ही चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उसके साइज से वगैरह इनमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया हो, वही गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन ही मिल रहा है आपको, है ना। एक मावा बाटी रख दे तो उसकी बात अलग हो जाएगी, है ना। फिर तो आपके बदले बस एक ही खाएंगे और आपका जो यूटिलिटी वहीं की वहीं रुक जाएगी आपकी, बस हो गया। तो कुछ अजम्पशंस है, अजम्पशन ये है कि वो कंस्टेंट हो जो है आपका कंजम्पशन होना चाहिए, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आना चाहिए आपके लिए। मान लीजिए आप होटल में जाके खा भी रहे हैं तो आपके लिए मनी की यूटिलिटी भी वही बने रहना चाहिए, मतलब आपके लिए मनी का कोई मैटर नहीं है कि ठीक है चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ऐसा बहुत सारे अजम्पशंस को साथ में लेकर के चलना है। मैं एक नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। खैर तो हम इसको कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू। तो शेड्यूल यदि हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने आपको आपको पहला गुलाब जामुन आपको मिला, तो पहला गुलाब जामुन आपको मिला, आपको उसको खाने की बहुत इच्छा है और उसको हम यूटिल्स में जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि आपको खाने की जो इच्छा है उसको मैंने 10 नंबर दे दिया, ठीक। दूसरा गुलाब जामुन जो है वो आपको खाने की इच्छा कम होगी ज़्यादा होगी, कम होगी ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने उसको 8 नंबर दे दिया। तीसरा गुलाब जामुन खाने की आपकी इच्छा क्या होगी और कम होगी, तो मैंने उसको और कम नंबर दे दिया। चौथा गुलाब जामुन खाने की इच्छा आपकी और कम होगी, मैंने दे दिया। पाँचवा गुलाब जामुन खाने की आपकी इच्छा, मान लेता हूँ मैं तो बिल्कुल ही नहीं, बस यार चार गुलाब जामुन खा लिए बहुत यार बहुत बस, तो आपकी जो पांचवा गुलाब जामुन खाने की इच्छा जो है पांचवे नंबर की बात कर रहा हूँ, पांचवे की जो है वो क्या हो गया, इच्छा आपकी जीरो हो गई। छठे में आपकी इच्छा क्या है, बस 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 प्रभु माफ करो नहीं खाना, -2, राइट है। फिर तो ये आपने मार्जिनल यूटिलिटी आ गई, क्लियर है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं आपकी जो खाने की जो इच्छा है वो कम होते जा रही है। अब इसी बात को यदि हम एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो फर्स्ट पर 10 है, देखो फर्स्ट पर 10 है तो मैंने यहाँ 10 पर एक पॉइंट बना दिया। सेकंड पर कितनी 8 है तो सेकंड पर 8 है तो मैंने सेकंड पर जो है बना दिया। थर्ड पर कितनी 6 है, बोले थर्ड पर 6 है तो ये मैंने 6, तो यहाँ थर्ड पर 6 है तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। 2 पर 8 है तो 2 यहाँ पर है, ठीक है। 4 पर कितनी है, 4 है तो 4 पर 4 है तो ये मैंने यहाँ पर 4 पर 4 इंटरसेक्ट हो जाना चाहिए, लगभग यहाँ हो रहा है, ठीक, तो मैंने यहाँ पॉइंट बना दिया। फिर 5 पर कितनी है, 5 पर बोले कि भैया 5 पर जो है वो 0 ही हो गई है तो 5 पर 0 कर दिया, ठीक है। फिर 6 पर कितनी है, -2 है
सिक्स पर जो है माइनस टू है, तो यहाँ पर मैंने माइनस टू लिख दिया, तो सिक्स पर जो है वो माइनस टू है, माइनस टू। यानी कि आप लगभग मोटे मोटे तौर पर यदि आप एक कर्व बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का जाएगा। ये फिफ्थ वाला पॉइंट है ना, थोड़ा सा समझ जाना आप लोग, एडजस्ट करना। यदि आप कॉपी बनाएंगे या स्केल यूज करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएगा। फोर पर, हाँ ठीक है, फोर पर ये हो गया और फिर पर ये हो गया। अब ये क्या बन गया आपका, इसको बोलेंगे आप एमयू कर्व। क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और ये कर्व बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, ये कंजम्पशन है, आप कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन, जैसे जैसे आप किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक लेवल पर आकर के जो है वो जीरो हो जाएगी, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉइंट ऑफ सैटिएटी भी बोलते हैं इसको, जहाँ पर ये जीरो हो जाती है। ठीक, अब यदि इसको देखिए, एक गुलाब जामुन खाने में और चार खाने में ओवरऑल तो हमें यूटिलिटी ज़्यादा ही मिली ना भाई। जैसे मान लीजिए आप भूखे हैं पड़े हुए थे, तो आप चार गुलाब खा लीजिए, तो आपकी संतुष्टि तो ज़्यादा होगी। वो संतुष्टि में जो आपको सेटिस्फेक्शन जो है उसका रेट भले कम कम हुआ हो, लेकिन चार खाने में टोटल तो ज़्यादा ही आएगा। तो अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं, दस, दस और आठ कितने हो गए, अठारह, अठारह और छः चौबीस, चौबीस और दस अट्ठाईस, चौबीस और चार अट्ठाईस, अट्ठाईस और जीरो हो गया वापस अट्ठाईस, फिर ये हो गया आपका 26, मतलब माइनस में आ गया। तो अब यदि आप इसको भी प्लॉट करते हैं तो आप देखें कि ये स्टार्ट तो यहीं से होगा 10 से, पर लेकिन ये फिर 18 पर आ जाएगा, तो 18 का आना चाहिए, 18 तो काफ़ी ऊपर आएगा। तो मैं इसको है ना सीधे सीधे एक बात बताता हूँ आपको कि ये जब तक जीरो ना हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी, तब तक तो ये क्या होगा, तब तक तो आपका जो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा। देखिए यहाँ तक बढ़ता रहेगा और इस पॉइंट के बाद में क्या होने लग जाएगा, ये नीचे जाने लग जाएगा। तो आप एक अंदाज मारे कर्व बना दें कि ये तब तक तो बढ़ता रहेगा और इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये जो टोटल यूटिलिटी कर्व है ये कैसा रहेगा, ये जहाँ तक पॉइंट ऑफ सैटिएटी आ जाता है तब तक तो ये इंक्रीज रहेगा, और जब यहाँ पर ये जीरो हो गया वहाँ पर जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो आपने मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आपने एक कर्व शेड्यूल बनाया, फिर कर्व के थ्रू आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप इसमें दो चार चीज़ें और भी ले सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में जो रिलेशन है वो क्या है, कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन नेगेटिव टोटल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक, तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में जो है रिलेशन है। अब ये इसके बेसिस पे आप इसके पहले वाला जो टॉपिक है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, उसको भी आप यहाँ से मन समझिए कि आपने समझा दिया रिलेशन में यही रहेगा। ठीक, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट एज वी इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक, जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हैं हमें उससे मिलने वाली संतुष्टि, हमें उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक, तो कंज्यूमर का बिहेवियर भी उस अकॉर्डिंग क्या होगा, इससे हम क्या आइडिया लगाना चाह रहे हैं, उससे हम ये आइडिया लगाना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर हमारी, जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है तो हमारी कितनी यूनिट खरीद सकता है, ऑन एन एवरेज कितने खरीदेगा। ठीक है, गुलाब जामुन टाइप का हमारा ही कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए हम बर्गर है, हम बर्गर पर डिस्काउंट देना चाहते हैं, भाई दूसरा लोगे तो डिस्काउंट देंगे, तीसरा लोगे तो डिस्काउंट देंगे, तो हम कितने तक बर्गर हैं उस पर हम डिस्काउंट दे सकते हैं। देखिए, आपको एक बेसिक थ्योरी मिल रही है, इस बेसिक थ्योरी के बेसिस पर आप बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। खैर, वेलकम टू विद्या फर्स्ट, मैं हूँ सुनील कुमावत। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि भाई इसकी प्राइस क्या है, और प्राइस के बेसिस पर भी हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि इतना यूनिट खरीद ले या इतनी खरीद ले, ज़्यादा खरीदे कम खरीदे, ऐसा सोचते ज़रूर होंगे।
तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम ऐसा सोचते हैं, तो फिर इस टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। गाइस बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देखिए कंज्यूमर तो आप जानते हैं, कंज्यूमर इट मींस दोज हु कंज्यूम। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इट मींस व्हाट? इक्विलिब्रियम इट मींस वो सिचुएशन जब कंज्यूमर ये सोचता है कि बस ठीक है भाई, बैलेंस्ड फील करता है। जब कंज्यूमर सोचता है कि अब और कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब उसको लगता है कि हाँ मुझे जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रहा है, इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज द स्टेट ऑफ नो चेंज। वेन कंज्यूमर डू नॉट वॉन्ट टू चेंज हीज एक्सपेंडिचर, जब वो अपने खर्चे और चेंज नहीं करना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन या चाहता है कि बस हाँ इतनी ही क्वान्टिटी या इतनी ही यूनिट में खरीदूँ, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इट मीन्स द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक, अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में बातचीत की थी कि जो सेटिस्फेक्शन जो है या वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है किसी भी चीज़ की, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। और इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस में? यूटिल्स में। जैसे हम किसी चीज़ का वजन कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम में, है ना, किलोग्राम में, ग्राम में, है ना। इसी टाइप से हम यदि किसी चीज़ को नापना हो तो हम उसको लीटर में भी कैलकुलेट करते हैं, है ना। हाइट है तो उसको मीटर में मे बी, या डिस्टेंस है तो मीटर या किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं। इसी टाइप से हम जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम काउंट करेंगे किसमें? उसको हम काउंट करेंगे यूटिल्स में। ठीक, तो हमने एक चीज़ हमने पढ़ी यूटिलिटी के बारे में, एक चीज़ हमने पढ़ी कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लीजिए आप गुलाब जामुन जो है आप खरीद रहे हैं, है ना, या कहीं फ्री में भी खा रहे हैं, मान लीजिए फिलहाल हम खरीद रहे हैं, तो हम पहले गुलाब जामुन खाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, दूसरे की इच्छा हमारी कम होती जाएगी। तो पहले की मान लीजिए 10 थी, दूसरे की 8 हो गई, आपकी इच्छा कम होती गई, फिर 6 हो गई आपकी इच्छा, फिर आपकी इच्छा 4 हो गई, फिर 0 हो गई, और फिर जो है आपकी -2 हो गई। मतलब एक लेवल के बाद में आप चाहेंगे बस 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 इसके बाद ज़्यादा हमें और नहीं खाना है। ठीक, तो इसमें आपने देखा कि जो है जैसे जैसे कंज्यूमर चीज़ें खरीदता जा रहा है, वो एक लेवल के बाद में उसकी खरीदने की इच्छा कम हो जाती है। तो इस ये जो इसको हम MU बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कर, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हम इसको ड्रॉ कर लें यहाँ पर, तो 1/10 है ना, फिर जो है 2/8 है, 2/8 है, फिर 6 जो है वो 3/ जो है वो 6 है, इस तरीके से ये 5/ जाकर के 0 हो रहा है, तो 5/ जाकर के 0 हो रहा है, और 6/ जाके -2 हो रहा है, तो -2 में यानी कि -2 यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, तो ये एक इस टाइप का एक कर्व बनेगा, है ना, ये तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इसको हम बोलते हैं कौन सा कर्व बोलते हैं, हमको मालूम है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, एज वी इंक्रीज द कंजप्शन मार्जिनलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, मार्जिनलिटी जो है वो कम होती जाती है। अब देखिए इसमें एक बात समझ में आ रही होगी आपको, एक बात क्या समझ में आ रही होगी आपको, एक बात ये समझ में आ रही होगी कि देखो ये जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूनिट खरीदेगा, कम से कम 1 यूनिट, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खरीदेगा, क्या मुझे बताइए कि 5 तो जाकर के उसकी यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई है, तो क्या वो 5 यूनिट खरीदेगा? क्या नहीं खरीदेगा, है ना। तो कम से कम 1 खरीदेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 खरीदेगा। तो एक तो चीज़ क्लियर कट हो गई, एक चीज़ क्या क्लियर कट हो गई कि मैक्सिमम यहाँ होगा और मिनिमम यहाँ पर होगा। जब उसकी यूटिलिटी 0 के बाद में माइनस में हो गई है, तब भी खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो ये बात तो तय हो गई। देखिए हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर कैसे सोचेगा, तो यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया और लोएस्ट पॉइंट हो गया। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि कंज्यूमर मैक्सिमम इतनी यूनिट खरीदेगा, यूनिट मैक्सिमम ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम ये खरीद सकता है, लेकिन क्या वो ये खरीदेगा? क्या नहीं, वो ये भी नहीं खरीदेगा, वो इनमें से किसी एक जगह खरीदेगा। मतलब वो ये 2, 3 या 4 इनमें से कुछ खरीदेगा। अब इनमें से भी हम ये देखें कि इन या तो 2 खरीदेगा, 3 खरीदेगा, 4 खरीदेगा, तो वो मतलब जो हम ये स्टेट फाइंड आउट करना हमें कि कंज्यूमर ज़्यादातर
कहाँ पर जो है आकर के लगेगा उसको, हाँ बस इतनी यूनिट खरीदना चाहिए। तो उसके लिए हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए कि उस जो वो पर्टिकुलर चीज़ है वो 6 रुपीज़ की है और हर रुपीज़ से एक यूटिल्स, 1 रुपीज़ से 1 यूटिल हमें मिलता है। तो जो पी एक्स जो है उसको मैंने 6 दिया, 6, 6, 6, 6 और 6। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली जो थ्योरी है वो थ्योरी ऐसा बोलती है कि जहाँ पर आपकी प्राइस और मार्जिन प्रॉफिट जहाँ बराबर हो उस लेवल पर जाकर के कंज्यूमर क्या फील करता है, उस लेवल पर जाकर के कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम फील करता है। देखिए आपके सामने ये एग्जांपल भी देखिए और यदि साइकोलॉजिकली आप थोड़ा जी सोचे तो देखें कि हम ये सब मान रहे हैं कि कंज्यूमर जो है 1 से तो ज़्यादा ही खरीदता है और 5 से तो कम खरीदेगा, ये बात तो तय है। तो कहाँ पर आकर रुक जाना चाहिए, यहाँ पर आकर रुक जाना चाहिए। तो यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है यहाँ पर आकर के कंज्यूमर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर यहाँ पर आकर के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम देखें तो यहां ये वाली कंडीशन में क्या है, एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, मतलब कि जो उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, जो उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो जो पे कर रहा है पैसे उसकी यूटिलिटी से ज्यादा है। इधर की यदि बात करें तो इधर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है ना, एम यू एक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन पी एक्स, मतलब कि जो जितना पेमेंट वो कर रहा है उससे जितनी यूटिलिटी उसको फील होती है, यूटिलिटी मतलब एक एक टाइप से एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, उसको हम नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो उसको जितना पेमेंट वो कर रहा है उससे उसको यूटिलिटी जो है एम यू एक्स लिखा है मैंने ये, तो एम यू एक्स जो है उससे अब उसको कम मिल रहा है। तो जितना पेमेंट कर रहा है उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वैसी बात है इधर भी वो चीज़ नहीं खरीदेगा। फिर वो कहाँ खरीदेगा, वो खरीदेगा वहाँ पर जहाँ पर एम यू एक्स जो है उसको पी एक्स के बराबर मिले। तो उस वाले लेवल को हम क्या बोलेंगे, उस वाले लेवल को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर अब कहाँ पर पहुँच जाएगा, कंज्यूमर नो चेंज वाली कंडीशन में पहुँच जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि नो चेंज, कंज्यूमर कोई चेंजेस नहीं करना चाहता है। इस वाले कंडीशन में क्या करेगा कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है इस वाली कंडीशन में करेगा क्या, इंक्रीज द कंजप्शन, वो कंजम्पशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में वो क्या करेगा, अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कंजम्पशन को। और ये वाली कंडीशन में क्या करेगा, अपना कंजम्पशन चेंज नहीं करना चाहेगा। मतलब ये हुआ कि इस यदि इसको हम एक एग्जांपल ले तो इस एग्जांपल के थ्रू ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस पर्टिकुलर जो चीज़ है जो गुलाब जामुन है उसकी 3 यूनिट वो खरीदना चाहेगा, है ना, वो 3 गुलाब जामुन खरीदना चाहेगा, ऐसा हम साइकोलॉजिकली सोच रहे हैं। ठीक है, ये खाली एक एग्जांपल है, इसके थ्रू आप कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझने की आपको कोशिश करना है कि कंज्यूमर कितनी यूनिट्स जो है वो खरीदेगा। कंज्यूमर उतनी यूनिट खरीदेगा जितना उसको पेमेंट जो कर रहा है उस उतना उसके लिए जो वैल्यू रखती है, यूटिल्स जो रखती है, और जितनी वो चीज़ खरीद रहा है उसकी यूटिलिटी जहाँ बराबर हो जाती है वहाँ पर वो चीज़ें खरीद लेता है। तो जहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी आप कमोडिटी और यूटिलिटी ऑफ द प्राइस इक्वल हो उस लेवल को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अब आप 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट इज द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर डू नॉट वांट टू चेंज हिज कंजप्शन पैटर्न, वो कंजप्शन जो है कम या ज़्यादा नहीं करना चाहता है। वेयर कंज्यूमर डू नॉट वांट टू चेंज हिज एक्सपेंसेस, वो अपने एक्सपेंसेस को कम ज़्यादा नहीं करना चाहता। या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट इज अ सिचुएशन वेयर एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक, वहां जहां पर मार्जिनलिटी आप ए कमोडिटी टू मार्जिनलिटी आप इट्स प्राइस बराबर हो तो उस लेवल को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक, तो आपने इस बात को इस तरीके से समझा दिया। तो ये तो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए शेड्यूल हो गया। ठीक, अब इसी बात को यदि आप यहाँ ग्राफ पर रिप्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर कहां पर आ रहा है, 3 यूनिट कहां पर आ रही है, 3 यूनिट आ रही है आपकी, 3 यूनिट आ रही है आपकी 6 पर। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आप ग्राफ के थ्रू आपने रिप्रेजेंट कर दिया, शेड्यूल के थ्रू आपने रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा आपको उसमें आपको मतलब थ्योरेटिकली लिखने के लिए भी आपको यहाँ से सपोर्ट हो गया कि एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, वेन एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स दिस इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और इट इज द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम,
या कंज्यूमर फाइंड मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक, हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, और आज हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, कार्डिनल अप्रोच हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो गाइस बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। इसमें दो टाइप के लॉ जो है वो फॉलो होंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा आप लोगों ने पहले मैंने आपको पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो क्या होने लग जाती है, वो कम होने लग जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप पहला गुलाब जामुन खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरे पे थोड़ा कम, तीसरे पे कम, और ऐसे ऐसे जो है यूटिलिटी जो है आपकी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो पहला लॉ तो ये हो गया। अब दूसरी बात इसमें ये है जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इट मीन्स ये कि मान लीजिए आप दो कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो और जहाँ आपका पैसा पूरा जो है यूटिलाइज हो जाए, जो जितनी भी आपकी इनकम है वो यूटिलाइज हो जाए, और जहाँ पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की बराबर मिले उस लेवल को हम इक्विलिब्रियम लेवल बोलेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इट मीन्स वो लेवल जहाँ पर कंज्यूमर जो है अपना जो भी कंजप्शन का पैटर्न है उसको चेंज नहीं करना चाहता है। ठीक, वैसे जो सिंगल वाली जो मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये इतना प्रैक्टिकल देखने को तो नहीं मिलता है आम दुनिया में, आप उसको रिलेट करने जाएंगे तो बड़ा बड़ा मुश्किल सा लगेगा कि यार ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो ऐसा है जरूर, लेकिन देखिए इसको कंज्यूमर साइकोलॉजी में को समझने के लिए ये एक आप एक इंसाइट प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए शायद हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। खैर, शुरुआत करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। मान लेते हैं हम कि हम कोई दो टाइप की चीज़ें खरीद रहे हैं और वो दो टाइप की चीज़ें हैं, पहले उसका नाम है एक्स, ठीक, और दूसरी जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका नाम है वाई। अब उसके हम कुछ यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे हमने इसकी एक यूनिट कंज्यूम किया तो हम पहले एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स में मान लो कि हमें उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो 14 है, ठीक। फिर दूसरी यूनिट कंज्यूम हमने की तो हमें उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है MU, तो अभी MU एक्स बन जाएगा, ठीक। तो मार्जिनल यूटिलिटी वो हो गई 12, क्योंकि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं उसका उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है, हमको मालूम है लॉ ऑफ DMU के तहत, ठीक है। तीसरी हमने कंज्यूम की, कम हो गई। चौथी हमने कंज्यूम की, और कम हो गई। पांचवी हमने यूनिट कंज्यूम की, यूटिलिटी और कम हो गई। छठी हमने कंज्यूम की, यूटिलिटी जो है और कम हो गई, 6 से 4 हो गई। फिर हमने और यूटिलिटी और हमने कंजम्पशन बढ़ाया तो हमारी यूटिलिटी और जो है कम होती गई। इसी टाइप से जब हमने वाई को कंज्यूम किया तो वाई को कंज्यूम किया तो उसको हमने मान लिया कि हमने उसको हमने नंबर दे दिया 10 दे दिया। मान लीजिए पहली यूनिट कंज्यूम कर रहा है, हमें 10 यूटिल्स मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिल रही है। फिर दूसरा कंज्यूम किया, कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर जो है और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते गए हमें यूटिलिटी जो है वो कम कम होती गई। ये बात तो हमको पहले से मालूम है, हो सकता है ये आपको क्वेश्चन में दे भी रखा हो। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है और आपको दो तीन चीज़ें और भी दे रखी होगी। दो तीन चीज़ें कौन सी दे रखी होगी? दो तीन चीज़ें आपको एक और दे रखी होगी। एक चीज़ तो ये दे रखी होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी आप मनी कितनी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी आप मनी, मान लेता हूं मैं कि इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी आप मनी MUM जो है आपको दे रखा है 4। तो मैंने यहां पर जो है 4 4, फिर यहां पर भी 4 4 4, जितने भी लेवल इन सब पर 4 4 मुझे लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और चीज दी हुई होगी, एक और चीज क्या दी हुई होगी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई आपको दी होगी।
अब मैं मान लेता हूँ कि इस क्वेश्चन में प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई भी जो है वो 1-1 रुपीज की है, 1 रुपीज है, प्राइस एक्स की भी प्राइस 1 रुपीज है और वाई की भी प्राइस 1 रुपीज है। तो यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ, एम यू एक्स को पी एक्स से डिवाइड करता हूँ और एम यू वाई को पी वाई से यदि मैं डिवाइड करता हूँ, तो किसी चीज को आप 1-1 रुपीज से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो तो आएगा तो वही का वही है ना, 14, 12, 10, 8 के बाद 6, 4 और फिर 2 और इसी टाइप से ये आ गया 10, 8, 6, 4, 2, 0, -1 ठीक है। अब ये सामने क्यों किया, क्योंकि हमने एक चीज फाइंड आउट करना, वो चीज का नाम क्या है, उस चीज का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज क्या बोलती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज जो है वो ये बोलता है कि एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई शुड बी इक्वल टू एम यू एम। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां बनेगा जहां पर एम यू एक्स को उसकी प्राइस से डिवाइड कर दें, एम यू वाई को उसकी प्राइस से डिवाइड कर दें, जहां दोनों इक्वल होंगे उस लेवल को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे इन केस ऑफ टू कमोडिटीज ठीक। अब जो मैं आपको शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि यहाँ दो टाइप के लॉ फॉलो होते हैं, पहला तो हो गया लॉ ऑफ डीएमयू जो आप ये देख रहे हैं कि यूटिलिटी कम होती जा रही, दूसरा इसमें लॉ फॉलो होगा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है दो कमोडिटीज है तो दोनों कमोडिटीज मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है बराबर हो जाए। तो अब आपको ऐसी सिचुएशन देखना है जहां पर ये दोनों बराबर हो रहे हो, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कहां ऐसा हो रहा है, जहां पर भी ऐसा हो रहा है वो जगह हमें जो है फाइंड आउट करना है, तो वो जगह हमें देखना है। देखिए आप एम यू एक्स अपॉन पी एक्स को देखें, आप एक ऐसी जगह मिलेगी आपको जहां पर ये दोनों जो है बराबर है, जहां पर ये दोनों बराबर है। आप ये भी बोलेंगे कि सर 6 है और ये 6 है, ये भी बराबर हो रहा है, ये 8 है और ये 8 है, ये भी बराबर हो रहा है। तो यहाँ फिर एक और दूसरी कंडीशन आ जाएगी, दूसरी कंडीशन ये आ जाएगी आपको कि यह आपको क्वेश्चन दे रखा होगा कि भाई हमारे पास इनकम कितनी है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास इस क्वेश्चन में मान लेता हूँ मैं कि मुझे जो टोटल इनकम जो है मेरे पास या टोटल जो मुझे खर्च करना है वो है 10 रुपीज़ है, कितने हैं 10 रुपीज़ है, मुझे 10 रुपीज़ ही खर्च करना है, ये एक कंडीशन ये भी है। अब ये कंडीशन कैसे फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन यहीं पर ही फुलफिल हो रही है। ऐसा क्यों, देखिए एक तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की बराबर हो रही है पहली चीज, यानी कि ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई है ना। दूसरी चीज ये कि यदि हम इसको ये दोनों पॉइंट लेते हैं तो यानी कि 6 यूनिट ऑफ x और यदि हम इसको देखें तो 4 यूनिट ऑफ y, यानी कि 6 यूनिट ऑफ हमें x खरीद लेना चाहिए और 4 यूनिट ऑफ हमें y खरीद लेना चाहिए। कंज्यूमर जो है, यदि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम फाइंड आउट करें तो हमें पता चलेगा कि 4 यूनिट जो है उसको x की खरीदना चाहिए और 6 यूनिट जो है, सॉरी 4 यूनिट जो है y की और 6 यूनिट जो है x की खरीदना चाहिए, ये हमको देखने से पता चल रहा है। अब इसमें एक और चीज ये भी हो रही है कि यहाँ पर क्या होगा, हमारे 10 रुपये पूरे यूटिलाइज हो जाएंगे। 10 रुपये पूरे कैसे यूटिलाइज हो जाएंगे, देखें आप इसको कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स हम कर लेते हैं प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई हम कर लेते हैं। वैसे तो सिंपली आप वैसे भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि आपको उसको रिप्रेजेंट भी करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो पी एक्स यानी कि कितना है, पी प्राइस ऑफ एक्स मैंने दे रखा पहले से आपको दे रखा, ये रहा 1 दे रखा, 1 इंटू क्यू एक्स यानी कि ये रहा 6 प्लस पी वाई भी कितना दे रखा है, 1 रुपीज़ दे रखा है, सॉरी 1 रुपीज़ दे रखा है और क्यू वाई कितना दे रखा है, क्यू वाई दे रखा है आपको 4 क्वांटिटी। तो इज इक्वल टू आई कितना है, आई यानी कि इनकम कितना है, आप एम भी लिख सकते हैं 10। तो ये हो गया आपका 6 + 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 10। कहने का मतलब ये हुआ, इसको आप अलग से दिखा देना, मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया कि यहाँ पर आपकी इनकम भी जो है वो पूरी यूज हो रही है ठीक। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज में आपको दो चीज़ें रिप्रेजेंट करना पड़ेगी, पहली चीज़ तो ये कि आपकी पूरी इनकम यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ पूरी इनकम यूज हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई है ठीक।
तो ये इस टाइप का शेड्यूल आपने बनाना है, आपको ये चीजें दे रखी होगी और ये चीजें भी आपको दे रखी होगी, ठीक। और शेड्यूल बनाने के बाद में फिर आप चाहें तो आप चाहें नहीं है, आपको चाहना ही है, आप इसको एक डायग्राम के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देखें आप देखें कि ये हमने इस तरफ से x को बना दिया और उस तरफ से जो है y को बना दिया। x को हमने बनाया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10, y को उधर से बनाया तो 0 1 2 3 4 5 6 10, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो x की है और वो वाली लाइन जो है वो y की है, ठीक। तो अब आप देखें कि ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, 4 यूनिट इसकी और 6 यूनिट इसकी। तो ये वाले पॉइंट को हम एक एक जो है कर्व बनाएंगे। कर्व किसका बनाएंगे? x का कर्व, यानी कि एम यू एक्स वाला और एम यू वाई वाला जो कर्व है, जो जिससे हम लॉ ऑफ डीएम बनाते थे। तो इसको यदि आप कर्व बनाएंगे, जैसे कि 1 पर कितना है, 14 है, मान लो मैं 14 यहाँ पर है, फिर 12, फिर इस तरीके से मैं कर्व बनाऊंगा, तो कुछ इस टाइप का एक कर्व बनेगा। किस टाइप का कर्व बनेगा? एक कर्व बनेगा ऐसा, जिसको हम बोलेंगे एम यू एक्स कर्व, और दूसरा ऐसा एक कर्व बनेगा जिसको हम बोलेंगे एम यू वाई कर्व, ठीक। और ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये 6 यूनिट है और इसकी 4 यूनिट है, इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। Why? Because here we satisfied the following condition, the given condition. The given condition is mu x upon px is equal to mu y upon py is equal to mu m. ठीक। तो I hope के आपको क्या represent करना है ये तो समझ में आया होगा। हाँ, आपको एक चीज समझ में नहीं आई होगी कि यार practical life में ऐसा होता है क्या? इतना कौन सोचता है? देखे, मैं आपको बता दूँ कि practical life में ऐसा ना कोई consumer सोचता है ना कुछ है। ये बात कहाँ फॉलो होगी? जब कोई साइकोलॉजी को समझना चाह रहा है, कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझना चाह रहा है, तो ये उसको एक स्टिक देगा, एक आइडिया देगा कि मैं किस तरीके से इसको जो है कंज्यूमर की साइकोलॉजी को मैं समझूं, कंज्यूमर के बिहेवियर को मैं समझूं, तो वहाँ पर ये थ्योरी जो है आप हेल्प करेगी। जैसे कि यदि आप देखें लॉ ऑफ डीएमयू, बिल्कुल सिंपल वाला, सिंपल सी चीज़ थी, रूटीन लाइफ में वाली आने वाली बात थी, तो आपको इस असल आओगे हाँ ये टॉपिक तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ आपको ऐसा फील नहीं हो रहा होगा। ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये आपकी समझ से थोड़ा बाहर जा रहा है इसलिए, ठीक है। लेकिन हमें जब हम साइकोलॉजी को समझ रहे हैं तो हमें थोड़ा गहराई में तो जाना पड़ता है ना, राइट। खैर, आपका यदि सिर्फ और सिर्फ बींग ए क्लास 11th स्टूडेंट की बात करें तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है क्लास 11th में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो उस इस केस में आपको क्या करना है? ऐसा डायग्राम बनाना है, सॉरी ऐसा शेड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक। ये कंडीशन फॉलो करना है और जो है इनकम कंज्यूम हो रही है उसको भी आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब बात ये है कि सर ये तो आपने बना बनाए क्वेश्चन ले लिया, हम मन से कोई सब ले लेते। देखो माय डियर, इसमें ये दोनों फीट बैठ जाए, ऐसी सिचुएशन बिठाने के लिए आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिमाग में रखना ही पड़ेगा, है ना। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैसे लॉ सारे फॉलो हो रहे हैं इसमें भी। देखें आप जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, हमारा जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, हमारा जो यूटिलिटी कम होती जा रही है, एक यूटिलिटी कम होती जा रही है, सारी चीज़ें इसमें फॉलो हो रही है। तो किसी एक एग्जाम्पल को आपको लेकर के चलना पड़ेगा यदि आपको सिंपल इससे पूरा रिप्रेजेंट करना रहे तो। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूँ सुनील कुमावत और क्लास 11th इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफरेंस कर्व क्या है। कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कैसे किया जाए हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे इनडिफरेंस कर्व क्या है, इनडिफरेंस मैप क्या है, इनडिफरेंस शेड्यूल क्या है, इनडिफरेंस कर्व के फीचर्स कौन कौन से हैं, तो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो गाइज, बातचीत करते हैं इनडिफरेंस कर्व क्या है। इनडिफरेंस कर्व को यदि आप डिफाइन करें तो इनडिफरेंस कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन। इनडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसा कर्व है जो ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है टू गुड्स के जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हो।
अब बात यह है कि जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पहले एक बात अच्छे से समझ लें कि इसमें दो अप्रोच है। पहली अप्रोच का नाम है कार्डिनल अप्रोच। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो है हम जो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है, या हम किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं चीज़ों को, तो हम वहाँ क्या नंबर दे देते हैं यूटिल्स में, हमें हम उन्हें काउंट कर लेते हैं। ठीक, तो जो इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटीज, तो वो कार्डिनल अप्रोच थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच ये बोलती है कि हम जो है किसी चीज को नंबर नहीं दे सकते हैं। हम कोई दो चीज मान लो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं और हम उन्हें रैंक दे सकते हैं कि बीच वन इज मोर बेटर, ऐसा ऐसा इस अप्रोच का ऐसा कहना है। ठीक, तो अब इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व ये है कि मान लीजिए हम कोई गुड्स है एक्स और वाई, हम ये दो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, अब ये दो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है कि हम एक्स की एक यूनिट कंज्यूम करें और वाई की जो है 30 यूनिट कंज्यूम करें। ठीक, एक्स की हम एक यूनिट कंज्यूम करें और वाई की 30 यूनिट कंज्यूम करें, तो भी हमें सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या मिलेगा, तो भी हमें सेटिस्फेक्शन कुछ मिलेगा। मान लीजिए सेटिस्फेक्शन को मैं एस नाम दे देता हूं यहां पर। ठीक, फिर यदि हम टू कमोडिटीज एक्स की, मतलब एक्स कंज्यूमशन बढ़ा देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वाई का कम होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम दो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि एक जो है अनार है और एक दूसरा एप्पल है, तो हम जो है एप्पल एक यूज कर रहे थे तो अनार 30 यूज कर रहे थे। फिर अब एप्पल हमने बढ़ाए तो अनार क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, तो अनार को हम कम कंज्यूम करेंगे, तो दूसरा है जो ये जो बंडल है, इस बंडल से भी हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है, है ना। मैं एस लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ एस ही लिख देता हूँ। फिर जो है फिर आप जैसे आपने और आपने कंजप्शन बढ़ाया, जैसे आपने एप्पल 3 एप्पल आप खाने लग गए, तो आपने अनार जो है आपको आप कम कंज्यूम करेंगे, तो इससे भी सेटिस्फेक्शन वही मिलेगा, इससे भी सेटिस्फेक्शन। 4 आपने एप्पल खा रहे हैं और 18 जो है आप अनार खा रहे हैं, तो आपको जो है सेटिस्फेक्शन वही कभी मिलेगा। मतलब आप आपके लिए यहाँ पर भी एक जैसे हैं आप, तो यहाँ पर भी आप एक जैसे ही है। ये 5 किए तो ये और कम कर देंगे। ठीक, देखिए एक बात तो तय है कि हम किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ का कंजम्पशन जो है वो कम होगा, है ना। आप कोई भी चीज़ आप दो चीज़ों को मिला के अब आपका काम चल रहा है, पहले आप एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस दे रहे थे, है ना, और एक चीज़ को बहुत कम कंज्यूम कर रहे थे, अब जैसे जैसे इसका बढ़ा रहे हैं तो इसको आप कम कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, राइट है कि नहीं। आप सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल 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 मिल जाएगा। अब इंडिफरेंस कर्व का नाम इंडिफरेंस क्यों है? इंडिफरेंस कर्व का नाम इंडिफरेंस इसी वजह से क्योंकि हम जो है डिफरेंट नहीं है। हर लेवल पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 कॉम्बिनेशन में सेटिस्फेक्शन क्या है, इक्वल है। सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो इक्वल है। एस 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 मैंने ऐसी कुछ भी लिख दिया मैंने मान लो, तो सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा है, एक जैसा है। सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, राइट है। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का नाम जो है इंडिफरेंस इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जितने भी लेवल है उन सारे लेवल पर क्या है, जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल है, इनडिफरेंट है, इसलिए इसी कर्व, इस कर्व का नाम इंडिफरेंस कर्व है। अब इसी बात को यदि हम, ये हो गया आपका इनडिफरेंस शेड्यूल, है ना। अब इसी बात को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू, तो ये क्या बन जाएगा, ये कर्व बन जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इनडिफरेंस कर्व। अब आप देखें कि 1 पे 30 है तो 1 पे 30, 2 पे 25, 2 पे 25, 3 पे 21, फिर आपका 4 पे 18, 4 पर 18, 5 पर 16, तो 5 पर 16 आपने ऐसे टिक लगा लिए। उसके बाद में इन सारे पॉइंट को यदि आप ऐड कर देंगे तो एक कर्व बन जाएगा कुछ इस टाइप का, है ना, एक कॉन्वेक्स टाइप का एक कर्व बनेगा। ठीक, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इस टाइप का कर्व बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस कर्व बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस कर्व, जिसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी है और ये ई है। इस टाइप का ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस कर्व। ठीक, अब यहाँ पर अब ऑब्वियसली बात है इनडिफरेंस कर्व क्या है ये तो हो गया, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में ऐसा ही नेचर क्यों है, ये इंडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों नहीं है,
या इनडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों नहीं है, ये भी सवाल हो सकता है, या इनडिफरेंस कर्व नीचे ही क्यों जा रहा है, या ऐसा क्यों नहीं जा रहा है। अब हमारी बात यहां पर आएगी, तो बात यह है कि यहां पर जो है, यहां पर इसका एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है पहली चीज ये, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तब होती है कोई भी चीज जब दोनों चीज आपस में क्या हो, नेगेटिव हो। अब नेगेटिव कैसे, जैसे कि आप इसका कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, एक्स को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो वाई को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना ही पड़ेगा, ठीक। तो जो इसका पहला जो फीचर है कि इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, तो इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स बिकॉज देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन ऑफ यूनिट एक्स एंड वाई, व्हेन वी इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ एक्स इट मीन्स दैट कंजप्शन ऑफ वाई विल डिक्रीज। तो जब भी दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो जो है कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, किसी भी चीज का कर्व है ना, तो डाउनवर्ड कर्व होता है। पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात यह, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इसलिए है कि ये जो इनके बीच में जो रेट है, जो ये इसको नीचे जाने का जो रेट है, वो रेट कम है या ज्यादा है उस बेसिस पर डिपेंड होता है कि ये इसका कर्व ऐसा होगा या कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। तो यहां पर हमें एक चीज देखना पड़ेगी और उस चीज का नाम है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो किस उसका नेचर कैसा है। देखें आप, उसका नेचर ऐसा है कि आपने एक कमोडिटी बढ़ाई एक्स की, तो वाई की कितनी कम हो गई, वाई की जो है 5 यूनिट कम हो गई। फिर आपने एक इसकी एक यूनिट बढ़ाई तो वाई की जो है 4 यूनिट कम हो गई। फिर आपने इसकी एक यूनिट बढ़ाई तो इसकी 3 यूनिट कम हो गई। फिर आपने इसकी एक यूनिट बढ़ाई तो इसकी जो है 2 यूनिट कम हो गई। यानी कि इसको पाने के लिए इसको खोना पड़ रहा है, और खोने का रेट कैसा है, खोने का रेट देखें आप, पहले था 5, फिर है 4, एक मिनट, पहले है 5 है ना, फिर है आपका 4, फिर है आपका 3, फिर है आपका 2। यानी कि ये मैं इसका मतलब ये चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंजेस हो रहा है ऊपर लिखेंगे, और एक्स में कितना चेंजेस हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो 5, 4, 3, 2, यानी कि जो रेट है वो क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। और रेट यदि कम हो रहा है, यदि ये रेट कम हो रही है, तो जब भी रेट कम होती है तो शेप इस टाइप का बनता है, कॉन्वेक्स टाइप का बनता है। तो एक चीज का आंसर तो ये रहा कि इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके पास अभी तक ये तो बिल्कुल कम थे और ये बहुत ज्यादा थे, राइट। तो जब आपके पास जैसे ये अनार है, तो अनार आपके पास काफी ज्यादा थे, तो आप जो है चाहेंगे कि एप्पल जो है थोड़ा बढ़ जाए, तो उसके लिए आप 5 अनार खोने को राजी हो गए, मतलब आप सेक्रीफाइस करने को ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो आपने 5, क्योंकि बहुत सारे हैं आपके पास, तो चलो ठीक है 5 कम कर दो और एक ही बढ़ा दो। अब आपके पास ये भी हो गए और ये भी हो गए, तो जब ये फिर भी अभी ज्यादा तो है, लेकिन फिर भी पहले के कंपेयर में तो इधर भी आपके पास पहले एक ही जो है आपके पास एप्पल था, आप 2 एप्पल हो गए, तो फिर आप जो है इसको सेक्रीफाइस क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। अगली बार यहां 3 हो गए, तो फिर अगली बार सेक्रीफाइस करना कम चाहेंगे, अगली बार सेक्रीफाइस करना कम चाहेंगे, मतलब जैसे जैसे कोई चीज हमारे पास कम होती जाती है तो उसको सेक्रीफाइस करने की इच्छा भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, है ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई चीज बहुत सारा ऑलरेडी है, बहुत ज्यादा है, तो चलो ठीक है यार सेक्रीफाइस करो, चलो दूसरी चीज आ रही है ना इसके बदले में, आने दो। लेकिन जब वो चीज कम होती जाएगी, जैसे जैसे ये चीज कम होती जा रही है, तो हमारी सेक्रीफाइस करने की जो सेक्रीफाइस करने की जो हमारी इच्छा होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, राइट है करोगे। आप मान लीजिए कोई भी दो चीज मान लीजिए, मान लेते हैं कि आपके पास जो है आप कोई दो चीज खरीदने जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी चीज लेने जा रहे हैं, तो एक चीज आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको आप सेक्रीफाइस पहले ज्यादा कर देंगे, फिर जैसे ही कम होगी तो फिर आपकी सेक्रीफाइस करने की इच्छा कम होगी। आपकी जेब में मान लीजिए 10,000 रुपए थे, अब 10,000 में से आपने चलो ठीक है यार कोई दूसरी चीज कुछ कर रहे हैं तो चलो पहले आपने दे दिया,
किसी को देना है, किसको देना है तो आपने या डोनेशन देना है या किसी को ऐसी गिफ्ट में देना है, चलो दे दिया। फिर दूसरी बार में इतना तो नहीं देगा ना, उससे कम देने की इच्छा होगी। फिर तीसरी बार में और देने की कम इच्छा होगी, क्योंकि आपके पास उसका स्टॉक क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक, तो चूंकि इनके पास जो है, जो पर्टिकुलर चीज है, जो भी ये पर्टिकुलर गुड्स है भाई की जो है वो कम होते जा रहा है, इसलिए इनके सेक्रीफाइस करने की जो इच्छा है वो भी कम होती जाएगी। इसलिए MRS क्या है, MRS डिक्रीजिंग है। ठीक, और MRS डिक्रीजिंग है, इस वजह से ये क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। अब नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मान लीजिए हम एक और इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका भी सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा। मान लीजिए हम यहाँ 1 की जगह यहाँ 4 रख दे, 5 रख दे, या 1-2 रख दे, 4 कुछ भी रख दे हम, तो यहाँ हम बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, या सॉरी ये हम बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, ये फिर हम बढ़ाएंगे ये कुछ और होगा। यानी कि या तो एक कर्व इधर बन सकता है या एक कर्व इधर बन सकता है, लेकिन कोई कर्व जो है इंटरसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो हर जगह कैसा होगा, वो हर जगह इक्वल होगा। तो वो जितना दूरी इससे बनी हुई है वो हमेशा वो दूरी बनी रहेगी, या इधर दूरी है तो इधर हमेशा बनी रहेगी, इंटरसेक्ट वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। भाई इससे इधर वाला जो कर्व है वो ऑब्वियसली बात है रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ज्यादा हायर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना। ये 30 की जगह मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए 30 की जगह मैंने 40 कर दिए, और ये 1 की जगह मान लीजिए मैंने 1 की जगह 2 कर दिए, तो ये कर्व जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो उधर शिफ्ट हो गया, इट मींस क्या हो रहा है, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ज्यादा चीजों की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन। इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है उसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज होती तो वो कॉनकेव होता, जैसा बीपीसी होता है। खैर, इसके अलावा हम बात करते हैं कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। जब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होते हैं, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व एक ये हो गया, इंडिफरेंस कर्व एक ये हो गया, इंडिफरेंस कर्व एक ये हो गया, तो एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व जब होते हैं तो उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, यानी कि इंडिफरेंस कर्व की फैमिली क्या कहलाएगी, मैप कहलाएगी। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा इंडिफरेंस कर्व क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। इसको आप कॉपी में इंडिफरेंस शेड्यूल कैसे बनाए, इंडिफरेंस शेड्यूल से इंडिफरेंस कर्व को कैसे बनाए, और इंडिफरेंस कर्व के जो फीचर्स है वो कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक, आई होप कि आप ये सारी चीज़ें आप जो है आपको ये सारी चीज़ें कॉपी में नोट करना चाहिए, और ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए इसमें बुक में से देख करके आप पॉइंट लिखें। अब आप पॉइंट लिखेंगे तो आप अच्छे से आप इसको याद कर पाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम टू विद्या फर्स्ट, मैं हूँ सुनील कुमावत, और आज हम पढ़ने वाले हैं बजट लाइन क्या है। और क्लास 11th इकोनॉमिक्स में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत कुछ, ये लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं बजट लाइन। तो शुरुआत करते हैं क्या है बजट लाइन। हेलो गाइस, तो बातचीत करते हैं बजट लाइन क्या है। बजट लाइन जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन बाय फ्रॉम हिज इंटायर इनकम। तो बजट लाइन जो है, आपके पास कोई पर्टिकुलर इनकम है, कंज्यूमर के पास जो इनकम है उससे मान लीजिए वो कोई दो गुड्स परचेस कर रहा है, दो गुड्स को भी परचेस कर रहा है, तो उससे कितने कॉम्बिनेशन वो परचेस कर सकता है, कितने बंडल्स वो परचेस कर सकता है, उस बंडल को यदि हमें ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम बोलेंगे बजट लाइन, उसको हमें एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम बोलेंगे बजट शेड्यूल। ठीक, तो बजट लाइन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय विथ हिज इनकम या बाय विथ हिज एंटायर इनकम। ठीक, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक कोई कंज्यूमर है, इसके पास जो है 100 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़, 100 रुपये उसके पास है, दो गुड्स है, एक एक्स है और दूसरी वाई है ना, आप कुछ भी मान लो, एप्पल है, बनाना है आप मान लो, और इनकी प्राइस जो है, एक की प्राइस 20 रुपीज़ है, एक की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है, तो हम कितने बंडल्स जो है हम परचेस कर पाएंगे या कितने कॉम्बिनेशन जो है वो बन पाएंगे। देखिए कॉम्बिनेशन कितने बन पाएंगे, मान लेते हैं कि हम जो है ये
परचेस कर ही नहीं रहे, तो हम जो है कितने परचेस, ये कितने मंडल ले पाएंगे, मतलब यहाँ कितने यूनिट खरीद पाएंगे वाई की 10, क्योंकि ये इसको हम देखें तो ये तो हम खरीदें तो जीरो का जीरो हो गया, और 10 × 10 किया तो 100 रुपीज़ हो गया। ठीक, मान लेते हैं कि हम इसका जैसे हम इसको बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने इसको बढ़ाया, तो बढ़ाया तो 20 रुपये खर्च हो गए, बचे कितने 80 रुपये, 80 रुपये बचे, यानी कि हम बाकी कितनी ले पाएंगे, अब ये हम 8 ही खरीद पाएंगे। ठीक है, ये हम 1 × 20 हुआ, प्लस क्या हो गया आपका 8 × 10 हो गया, तो ये 20 और 80 कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। ठीक, फिर हम यदि आगे बढ़ते हैं तो आगे देखें, आप जैसे आपने बढ़ाया इसको 2 किया, जैसे आपने इसको 2 किया तो 2 करते से ही ये कितना हो गया, इसका आपका हो गया 2 × 10 आप कर दिया तो हो गया ये 20 रुपीज़, सॉरी 2 × 20 करें तो 40 रुपीज़ हो गया, बचा कितना आपके पास 60, तो ये आप कितने खरीद पाएंगे, ये आप 6 ही खरीद पाएंगे, तो 6 × 10 यानी कि आपके 100 रुपीज़ अब भी खर्च हो रहे हैं। ठीक, तो इस टाइप के कुछ बंडल बन पाएंगे, जैसे पहला ये कॉम्बिनेशन बन गया, दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, तीसरा कॉम्बिनेशन, ऐसे टाइप से एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, फिर और कॉम्बिनेशन बन सकता है, और बन सकता है, मतलब हम इसके जो है यूनिट हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसकी यूनिट ऑब्वियसली बात है कम होगी, ये 10 है 8 है 6 हो जाए, 6 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2 हो जाना चाहिए, 2 के बाद जो है ये 0 हो जाना चाहिए, राइट है, क्यों, क्योंकि जैसे हमने 3 परचेस किया तो हमारे पास कितना खर्च हो गया, 3 परचेस किया तो 3 × 20 किया तो 60 रुपीज़ खर्च हो गया, बचा कितना 40 रुपीज़ बचा, तो 4 × 10 हम कर देंगे, ये हो गया 100 रुपीज़, इसी टाइप से यदि आप इसको देखेंगे तो 4 × 20 किया तो 80 रुपीज़ खर्च हो गया आपका, बचा कितना, बचा आपका 2 × 10 तो 20 रुपीज़, तो ये हो गया 100 रुपीज़, इसी टाइप से इधर 5 × 20 हो गया, तो इधर हम क्या कर पाएंगे, इधर हम जो है इधर हम 0 ही खरीद पाएंगे। ठीक, यानी कि हम सिर्फ 5 यूनिट इसकी खरीद पाएंगे, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस आपके पास बन गए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 कॉम्बिनेशन आपके पास बन गए। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन को यदि आप हम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे बजट लाइन। अब आपने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें, देखा आप 0 पे 10 है तो 0 पे 10 हो गया, चलो ठीक है, फिर 1 पर 8 है तो 1 पर मैंने 8 पे टिक लगाया, 2 पे 6 है, 2 पे मैंने 6 पे टिक लगाया, फिर 3 पे 4 है तो 3 पे मैंने 4 पे टिक लगाया, फिर 4 पर जो है 2 है, 4 पर 2 है, 4 पर 2 पे टिक लगाया, 5 पर 0 है तो 5 पर 0 पे मैंने टिक लगाया, मतलब कुछ एक स्ट्रेट लाइन टाइप की, एक मोटे मोटे तौर पर आप एक कॉपी बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगी वो, तो एक लाइन बनेगी, इस लाइन को हम बोलेंगे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे बजट लाइन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट जो है सेट्स को या जो है कॉम्बिनेशन को या बंडल को रिप्रेजेंट कर रही है, ए, फिर यदि आप देखें तो ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ हो गया। ठीक, बी से मतलब मेरा मतलब ये हुआ कि 8 यूनिट इसकी वाई की, तो जो है आपकी 2 यूनिट जो है वो हो गई आपकी, लगभग 2 यूनिट जो है वो एक्स की होगी। ठीक, तो ये है आपका बजट शेड्यूल और ये रहा आपका बजट लाइन। अब बात करते हैं इसमें हम PX/PY की, यानी कि इसके जो आप कहें कि रेशियो की हम बात करें। अब देखिए इसमें इसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है कि बजट लाइन स्ट्रेट ही क्यों है। अब भाई बजट लाइन स्ट्रेट क्यों है, बजट लाइन स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि जो इनके सेक्रीफाइस और गेन करने का जो गेन का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। और रेशियो यदि कांस्टेंट रहेगा तो जो भी हम कोई भी कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, दूसरा ये है कि स्लोप डाउनवर्ड ही क्यों जा रहा है, ये स्लोप ऐसा ही क्यों जा रहा है, स्लोप ऐसा क्यों नहीं जा रहा है, या स्लोप ऐसा क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड हो रहा है। इट मीन्स क्या, डाउनवर्ड कब जाता है, जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ घटती है, यानी कि जब किसी चीज़ में नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हम एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का कंजम्पशन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यदि हम एक ज़्यादा खरीदेंगे तो दूसरे को हम कम खरीदना पड़ेगा, तो दोनों में क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इस वजह से जो है यह स्लोप डाउनवर्ड है। अब इसके अलावा हम एक और चीज़ हमें देखने को यह मिल रही है जिसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ बजट लाइन।
स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब स्लोप ऑफ बजट लाइन किसको बोलेंगे? स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलेंगे हम चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब चेंज इन वाई आप देखें कितना चेंजेस आ रहा है, 2 का चेंज आया। मैं चेंज कर लेता हूँ ये। देखिए आप पहले 10 यूनिट आप खरीदे थे, अब 2 8 खरीद पा रहे, मतलब 2 आप खरीद पा रहे हैं। फिर जो है फिर वापस 2 का चेंजेस आया, फिर वापस 2 का चेंज आ रहा है, फिर वापस 2 का चेंज आ रहा है, फिर वापस 2 का चेंज आ रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो 1 का चेंज है, 1 का चेंज है, 1 चेंज का चेंज है, 1 का चेंज है, 1 का चेंज है। यानी कि यदि आप इनका रेशियो निकाले तो रेशियो क्या आ रहा है? रेशियो आ रहा है 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 और 2:1। ये इनका रेशियो आ रहा है। ये जो रेशियो आ रहा है, इस रेशियो को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ बजट लाइन। और चूंकि ये रेशियो जो है ये कांस्टेंट है, एक जैसा है, इसी वजह से ये लाइन जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसके अलावा एक लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि जो प्राइस का रेशियो होता है वही रेशियो जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन का रेशियो होता है। जैसे आप प्राइस का रेशियो निकाल लें, इनका इनका प्राइस का रेशियो क्या है? ये रहा 20/10। तो प्राइस का रेशियो क्या है इनका? प्राइस का रेशियो भी 2:1 है और स्लोप ऑफ बजट लाइन भी क्या है? 2:1 है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि बजट लाइन क्या है। बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक गिवन इनकम में कंज्यूमर किसी दो कमोडिटीज के कितने बंडल जो है वो परचेस कर सकता है, उसके कॉम्बिनेशन के, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक, बजट शेड्यूल क्या है? बजट शेड्यूल इसी बात को, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है दो गुड से हम खरीद रहे हैं तो उसका जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है उसको हम बजट शेड्यूल बोलेंगे। स्लोप ऑफ बजट लाइन कितना है? स्लोप ऑफ बजट लाइन मीन्स वॉट? स्लोप ऑफ बजट लाइन इट मीन्स कि रेशियो है जो आपको बताएगा कि एक यूनिट को गेन करने के लिए, एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे को कितना हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक, एक को पाने के लिए दूसरे को कितना खोना पड़ रहा है, उसका जो रेशियो है उसका नाम है स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि बजट लाइन क्या है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने को मिलेगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पिछले दो वीडियो से, यानी कि इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने पढ़ा है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, इंडिफरेंस कर्व इस टाइप का बनता है ना, और बजट लाइन। अब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व मिलकर के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ ऑर्डिनल अप्रोच, है ना। कार्डिनल तो हम पढ़ चुके हैं, विथ ऑर्डिनल अप्रोच जो है उसके थ्रू आप पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको बजट लाइन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, साथ ही आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में भी नॉलेज होना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम फाइंड आउट करें, या हम बोलें कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करें, ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट करें। तो शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व के लिए हमें दो चीजें समझना पड़ेगी, और वो दो चीजें हैं। पहली चीज है बजट लाइन, ठीक, जो बजट लाइन हमने पिछले वीडियो में समझी थी। इसके अलावा हमें दूसरी चीज और समझना जरूरी है, वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो इस टाइप का कर्व बनता है ना, इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है ये हमें समझना जरूरी है। तो ये उसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने समझा है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। अब दोनों को समझने के बाद में हम बात करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा या क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो वही होता है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, या कंज्यूमर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब कंज्यूमर जो है अपने कंजम्पशन पैटर्न को जो है चेंज नहीं करना चाहता है। अब बात करते हैं कि इसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू, एक होती है कार्डिनल अप्रोच जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्डिनल अप्रोच इट मीन्स इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के थ्रू पता करना अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो उसमें एक चीज तुमने पढ़ना रहती है बजट लाइन। अब बजट लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? बजट लाइन रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो कि कंज्यूमर की गिवन इनकम से वो बाय कर सकता है।
जैसे से फॉर एग्जांपल दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, तो और इसके पास जो है 100 रुपीज़ की इनकम है, 100 रुपीज़ की इनकम है तो कितने बंडल खरीद पाएगा? या तो 0 और 10 खरीद लें, या 1 और 8 खरीद लें, 2 और 6 खरीद लें, 3 और 4, 4 और 2, 5 और 0, ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, इसकी प्राइस 20 रुपीज़ है और इसकी प्राइस 10 रुपीज़ है। अब 20 रुपीज़ का एक यानी कि ये हो गया 20 और ये हो गया 80, 20 और 80 कितने खर्च हो गए? 100 रुपीज़ खर्च हो गए। इसी टाइप से सभी में 100 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि हम कितने कॉम्बिनेशंस हैं जो हम हमारे गिवन इनकम से खरीद सकते हैं। इसी बात को हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ इसी ये जो एक लाइन बनी है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? बजट लाइन। ठीक, तो बजट लाइन तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास गिवन इनकम में हम कितने सेट या कितने कॉम्बिनेशंस या कितने बंडल जो है हम परचेस कर सकते हैं। सभी में आपके ये जितने भी कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, इन सारे कॉम्बिनेशन में आपके पूरे 100 रुपये जो हैं, 100 रुपये आपके पास हैं, तो पूरे 100 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं। ये बात तो तय होगी, यानी कि इस लाइन में आप कहीं पर भी टच करें, बात एक ही है, 100 रुपये पूरे खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, ये बात तो तय हो गई। अब सेकंड बात पे हम आते हैं, इनडिफरेंस कर्व क्या है। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इनडिफरेंस कर्व क्या है। इनडिफरेंस कर्व हम इसके पिछले से पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में समझना चाहें तो आप वीडियो जरूर देखें। अब इनडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। जैसे कि मान लो ये अनार है और ये एप्पल है, या ये अनार है और ये एप्पल है। अब यदि आप एक अनार, एक एप्पल और 30 अनार के लिए आप खरीदते हैं, तो आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलता है उसको मान लीजिए मैंने एस या डॉलर टाइप का निशान बना दिया। कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ भी है वो, पता नहीं क्या है, जो भी है उसको हमने कोई भी एक नाम दे दिया। फिर यदि आप 2 एप्पल और 25 अनार यदि कंज्यूम करते हैं, तो भी आपको सेटिस्फेक्शन वही मिलता है। फिर यदि आप ये अलग जो कॉम्बिनेशन है वो कंज्यूम करेंगे, तो भी सेटिस्फेक्शन वही है। यह वाला यदि आप करते हैं तो भी सेटिस्फेक्शन वही है, यह वाला भी आप करते हैं तो भी सेटिस्फेक्शन वही है, और यह वाला भी यदि आप करते हैं तो भी सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको वही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो आपका इक्वल है। तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इंडिफरेंस कर्व इसी बात को, यह सारे कॉम्बिनेशन को यदि हम एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर दें तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज हमने पढ़ी थी कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि आपको एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को खोना पड़ रहा है ना, तो वो उसका रेट क्या है। तो देखें आप, जैसे कि एक बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर 5 खोना पड़ा, फिर यहाँ एक बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमको जो है 4 खोना पड़ा, और इसका रेट जो है इसे कम कम होता जाता है। यानी कि पहले हम खोना पड़ रहा है 5, फिर दूसरी बार हमें खोना पड़ रहे हैं 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना, ऐसे और आगे और कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये बात तो हो गई आपकी इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व का MRS जो है वो ये होता है। अब दूसरी एक और चीज़ हमें देखना रहेगी, वो है बजट लाइन की। बजट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन में भी आपने देखा होगा कि एक चीज़ को आप बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ को कम करना पड़ेगा, तो एक इधर आपके पास जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, ये इधर देखने को मिला था। और सेम टू सेम स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो किसके इक्वल होता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो इक्वल होता है PX/PY, यानी कि उनकी प्राइस के रेशियो में ही स्लोप ऑफ बजट लाइन भी होता है। तो आप स्लोप ऑफ बजट लाइन को एक तो पूरी तरीके से निकालें, या फिर आप सिंपली ऐसा बोल दें कि PX/PY ये भी क्या होगा, ये भी स्लोप ऑफ बजट के बराबर ही होगा। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, स्लोप ऑफ बजट लाइन वही होगा जो उसकी, जो उनकी प्राइस का रेशियो होगा। ठीक है, जो उनकी प्राइस का रेशियो होगा। अब मैं मान लेता हूं कि कोई प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी उसकी कीमत मान लेते हैं हम कि एक की प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ है और दूसरे की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है। कितनी है? 30 और 10, तो इनका रेशियो क्या आ गया? 3:1, ये इनका रेशियो आ गया। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाली जो अप्रोच है वो क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि यदि जहाँ पर स्लोप ऑफ बजट लाइन और MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर हो, उस लेवल पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा
और वह अपना कंजप्शन जो है उस लेवल तक जो है जारी रखेगा, या वो वाला जो बंडल है वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, ऐसा इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वेयर एम आर एस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, या एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ये सही लिखा है मैंने, एक्स और वाई, एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, यहां पर क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वेयर एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। पी एक्स अपॉन पी वाई यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, और एम आर एस यानी कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो हमें तो पता है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो उनके प्राइस का रेशियो होता है। तो मैंने यहां पर लिखा, मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा पी एक्स अपॉन पी वाई। अब आपको मालूम है आपने जो है 3:1 लिखा, फिर 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 3:1 लिखा। वैसे ये ना भी लिखे तो भी चलेगा, अल्टीमेटली सीधे ही हम देखें कि कहाँ पर ये इक्वल हो रहा है, ये इस लेवल पर इक्वल हो रहा है। यानी कि ये जो मैंने प्राइस का रेशियो दिया है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये वो डी वाला कॉम्बिनेशन होगा, जहाँ पर वो 4 एप्पल और 18 जो है अनार कंज्यूम करेगा। यानी कि ये वाला जो आपका, हम कहें कि ये वाला जो बंडल है, ये वाले बंडल को वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कौन सा बंडल को? ये वाले बंडल को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई यहाँ पर है, ठीक। बिकॉज हियर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, तो इस वजह से वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब ऐसा क्यों? इसको हम थोड़ा जनरल लैंग्वेज में बात करें तो देखो, जहाँ पर जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो बराबर हो रहा है एम आर एस के, वहीं पर हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मान रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ बजट लाइन को टच कर रहा है, इट मीन्स ये कि पैसा तो हमारा पूरा यूज हो गया, 100 रुपये थे मान लीजिए, अपना 100 रुपये पूरा खर्च हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें जो पूरे पैसे भी खर्च हो रहे, और ये जो हमें सेक्रीफाइस करने का जो रेशियो है हमारा, वो भी उसके इक्वल हो रहा है। मतलब जितना हम पैसे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उतना ही हमें कोई चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो दोनों का सेक्रीफाइस का लेवल जो है बराबर हो रहा है। मतलब साइकोलॉजिकली यदि आप इस बात को सोचें, तो हमें ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि हाँ, जितना मेरा पैसा जा रहा है उतना ही मेरे पास कोई चीज़ आ रही है, या जिस रेशियो में मैं पैसा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ उसी रेशियो में मैं एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। ये जो रेशियो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करना, इसके लिए ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम, तो 3:1 आया ना। इसी टाइप से ये यहाँ पर जो ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, ये भी क्या है? एक किसी चीज़ पर पैसे खर्च करने का दूसरी चीज़ पे खर्च करने का जो रेशियो है वो क्या है? इक्वल आ रहा है, ठीक। तो हमारा जो पैसे खर्च करने का जो रेशियो है वो भी इक्वल है, और जो हम चीज़ खरीद रहे हैं उसको सेक्रीफाइस करने का रेशियो भी इक्वल है। तो यहाँ पर व्यक्ति का क्या फील करेगा? इक्विलिब्रियम फील करेगा, मतलब इक्वल फील करेगा, उसके मन में थोड़ा सा एक इक्वल सी फीलिंग आती है। देखिए, वैसे तो ये प्रैक्टिकली ये इतनी सारी बात कभी कभार लागू नहीं भी होती है, और हमें भी ऐसा लगता है कि क्या यार, ऐसा थोड़ी होता है कोई, पर लेकिन यदि आप थोड़ा सा सोचें तो ऐसा होता जरूर है। कंज्यूमर साइकोलॉजी को यदि आप समझेंगे तो ऐसा देखने को जरूर मिलता है कि जो है हम जैसे मार्केट में जाते हैं, तो हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ हम खरीदते वक्त हमें दिमाग में जो है पैसे को लेकर चलता रहता है। हम हर चीज़ की प्राइस को देखते हैं, तो फिर हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो पहले प्राइस देखते हैं, और प्राइस देखते हैं भैया ऐसी कितनी प्राइस, मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गए कि ये कितने का है। हमारा दिमाग कैलकुलेशन जरूर लगाता है, और वो जहाँ अपने बजट में फिट होता है और उधर भी अपना चीज़ भी उसी अकॉर्डिंग हमें लगती है, वो चीज़ हम खरीद लेते हैं, है ना। हम 10 चीज़ देखते हैं, एक चीज़ खरीदते हैं, और वो चीज़ वो मोस्टली जो है हमारे बजट के आस्पेक्ट में ही होती है, कि हमारा जहाँ बजट और वो चीज़ से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर हो जाए उस लेवल पर हम खरीद सकते हैं।
तो ये जो जो हमारा ये जो कहें कि जो एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करने का जो रेशियो है वो रेशियो और जो जो पैसे का जो रेशियो है बजट का जो रेशियो है वो दोनों जहाँ सेम हो जाए उस लेवल को हम क्या बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये लेवल हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक। यहाँ पर वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा, यहाँ पर इस लेवल के बाद में अपना कंजम्पशन कम कर देगा, ठीक। तो वो सारे लेवल जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लेवल नहीं है, ये लेवल जो है वो क्या है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेवल है, ठीक। यदि ये प्राइस 20 और 10 होता तो 2:1 तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ होता। यदि ये प्राइस 4:1 होती तो 40 रुपये और 10 रुपये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ होता, 50 और 10 होती तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ होता, ठीक। अब ये तो आपने देखा होगा ये जो लाइन है कि ये लाइन क्या है, ये बजट लाइन है। बजट लाइन स्ट्रेट होती है क्योंकि उनके प्राइस जो है कांस्टेंट, दोनों के प्राइस जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्राइस का रेशियो एक जैसा है। और कोई भी चीज़ का यदि जो रेशियो है वो इक्वल एक जैसा होता है तो उसका शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। बढ़ते हुए होता तो कॉनकेव होता है, घटते हुए होता तो कॉन्वेक्स होता है। अब इसी बात को MRS को यदि हम इस पर प्लॉट कर दें तो MRS को हम यदि इस पर प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। और ये जहाँ पर ये टच हो रहा है उसी पॉइंट को आपको क्या बताना है, उसी पॉइंट को आपको जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है मतलब वो। तो ये डी वाला जो पॉइंट है 4 और 18 वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक। इस वाले पॉइंट को आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरह दिखा देंगे। ये सिर्फ एक पिक्चर के फॉर्म में समझने के लिए बात कि हाँ भाई जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट स्लोप और बजट लाइन दोनों टच हो जाए वो वाले लेवल को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। यदि आपको ये अभी भी डाउट है तो आप सबसे पहले तो इंडिफरेंस कर्व क्या है पहले वो देखें, फिर उसके बाद में बजट लाइन क्या होती है पहले वो पूरा वीडियो देखें, फिर यहाँ पर आएँ आप तो आपको हर बात सीक्वेंस से समझ में आ जाएगी। हेलो गाइज, वेलकम टू विद्या फर्स्ट, मैं हूँ सुनील कुमावत और अब हम पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में डिफरेंस जो है वो हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच की हम बात कर रहे हैं तो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच जो है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इन दोनों तरीके से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये जो दो अप्रोच है इसके बारे में यदि आपको थ्योरेटिकली यदि क्वेश्चन लिखना पड़े तो कुछ पॉइंट जो हम इसके डिस्कस करते हैं जिससे कि ये बात आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात यदि मान लीजिए इनमें दोनों में डिफरेंस आपको लिखना है तो सबसे पहली चीज़ यदि हम बात करें कि दोनों के मीनिंग में जो डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग का क्या डिफरेंस है। कार्डिनल अप्रोच की जब हम बात कर रहे हैं तो कार्डिनल अप्रोच की यदि हम बात कर रहे हैं इट मीन्स ये कि हम जो है यूटिलिटी को किसी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं तो कंज्यूम करने से हमें जो यूटिलिटी मिल रही है, हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम जब एग्जैक्ट किसी नंबर में रिप्रेजेंट करें कि हम जैसे कोई चीज़ हमने कंज्यूम की तो उसको हमने नंबर दे दिया कि भाई हमें 5 यूटिल्स 10 यूटिल्स 20 यूटिल्स, तो जब हम कोई एग्जैक्ट नंबर व्हेन वी गिव एनी एग्जैक्ट नंबर, कोई एग्जैक्ट नंबर यदि हम देते हैं तो फिर उसको क्या बोलेंगे कि एग्जैक्ट नंबर में when utility expressed in exact number then it is known as cardinal approach, ठीक। when utility express in exact number है ना, जैसे तो फिर उसको क्या बोलेंगे cardinal approach। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलती है, ऑर्डिनल अप्रोच ये बोलती है कि हम किसी चीज को एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो है हम किसी दो चीज़ है मान लीजिए तो उसके बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं इससे ये बेहतर है या ये इतना हो तो ये इतनी हो तो चलेगी, तो हम जो है कोई रैंक दे सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते हैं। तो ये जब हम रैंक दें एग्जैक्ट मतलब रैंक दें हम या कंपेयर करें तो यूटिलिटी को हम कंपेयर करके हम यदि फाइंड आउट करें
तो यूटिलिटी जब कंपेयर करने के थ्रू, रैंक के थ्रू रिप्रेजेंट की जाए तो उसको ऑर्डिनल अप्रोच बोलेंगे, है ना। और कार्डिनल इट मीन जब एग्जैक्ट नंबर में रिप्रेजेंट की जाए। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यूटिलिटी को आप नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं 10, 20, 30। तो जवेन हम इसमें नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हम रैंक वगैरह में रिप्रेजेंट करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। इट इज़ नॉट एक्सप्रेड इन एग्जैक्ट नंबर, ये इट इज़ एक्सप्रेड इन एग्जैक्ट नंबर। मेजोरिटी ऑफ मनी, मेजोरिटी ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट। और जैसे इसमें हम जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो हमें यहाँ पर MUM भी देखना पड़ता है। मेजोरिटी ऑफ मनी जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसी कोई हम डिस्कशन ही नहीं करते हैं, हम जो इंडिफरेंस कर वो बजट लाइन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, तो हम यहाँ मेजोरिटी ऑफ मनी की बात नहीं करते हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं यहाँ पर। फिर इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यहाँ पर जो है कार्डिनल अप्रोच हम यूज़ करते हैं। तो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी यानी कि एक कोई चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको हमने नंबर दे दिया कि 5 यूटिलिटीज मिले, 2 कंज्यूम किए तो उसको हमने बोल दिया कि जो है हमें 12 यूटिलिटीज मिली, तीसरी कंज्यूम की तो बोले कि हमको 15 यूटिलिटीज टोटल हो गई, या तीसरे पे में हमें 3 यूटिलिटीज जो है मिली। तो हम किसी प्रोडक्शन से, किसी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, और इंडिपेंडेंट कोई कमोडिटी है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑर्डिनल में, यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहेगा लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट, यहाँ पर हम किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट यूटिलिटी नहीं होती है, है ना, यहाँ किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव नेम, इसका अल्टरनेटिव नेम है यूटिलिटी अप्रोच भी इसका नाम है, इसको यूटिलिटी अप्रोच भी बोल सकते हैं आप, या यूटिलिटी एनालिसिस भी बोल सकते हैं, और इसको इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस बुक बोलते हैं, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व के थ्रू पता करते हैं, इसलिए इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये इसका अल्टरनेटिव नेम हो गए। लॉ, इसमें आपका फॉलो होता है लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसमें जो फॉलो होगा वो होगा लॉ ऑफ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, या DMRS ऐसा बोल सकते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, DMRS, और इसमें DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये इनमें कुछ डिफरेंस है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप जो है इसमें अच्छे से बता सकते हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट ये है कि यहाँ पर जैसे हम जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं यूटिलिटी के थ्रू। और आपने देखा होगा इसमें जो हम सिंगल जब कमोडिटी देती है, सिंगल जब कमोडिटी देती है तो हम उसको जो है यूटिलिटी कर्व के थ्रू जो है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, कुछ इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं सिंगल वाली कमोडिटी में, है ना। और यदि यही चीज़ डबल वाली हो गया, मान लो डबल वाला है, तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, है ना। ये जो है मार्जिनलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनलिटी ऑफ वाई, और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसको यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात, तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा, एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा समझने वाली बात तो है नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि बार बार ये वर्ड यूज में आता है कि भाई हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, कार्डिनल पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल पढ़ रहे हैं, तो है क्या यार, है यही कि दो अलग अलग अप्रोच है जिसके थ्रू आप जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते हैं। और दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर हम यूटिलिटी को नंबर देते हैं और यहाँ पर हम जो है यूटिलिटी ऑर्डिनल में हम जो है यूटिलिटी को क्या करते हैं, किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कंपेयर करते हैं, रैंक वगैरह देते हैं, है ना, दोनों को मिलेंगे। इसी वीडियो के साथ में ही चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में है, वो जो है आप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका डिमांड के बारे में, तो डिमांड के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको जो है मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, समझ में तभी आएंगे जब आप सीक्वेंस में देखेंगे। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।